फिर से कुछ लोगों ने कहा कि सर समझ में नहीं आया, चलिए एक बार यहीं से शुरू करते हैं। हम लोग को याद होगा कि हम लोगों ने मसल फाइबर बनाया था, चलिए एक बार फिर से बना करके कोशिश करते हैं, शायद समझ में आ ही जाए। हमने बोला था मसल फाइबर एक सिंसिशियल सेल का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहां पर बेटा एक न्यूक्लियस है कि बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, क्योंकि मैंने बोला था सार्कोब्लास्ट या तो मायोब्लास्ट की बात करो तो ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, इमैच्योर कंडीशन में, यानी अपनी इमैच्योर कंडीशन में फ्यूज हो गई, और यहाँ पर बहुत सारे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होकर के एक स्ट्रक्चर बनाए जिसका नाम क्या है, फाइबर। कौन सा फाइबर? मसल फाइबर। क्या नाम बेटा? मसल। ओके, फिर मैंने इनका बेटा लेबलिंग की थी कि ये जो मसल फाइबर है इसका सबसे बाहरी लेयर है सार्कोलेमा, ये सार्कोलेमा। इसका प्लाज्म जो है इसका नाम है सार्कोप्लाज्म, और इनके पास एक न्यूक्लियस की बहुत सारे। फिर मैंने कहा था कि ये बाकी सेल से अलग क्यों है, क्योंकि इसके पास प्रेजेंट है बेटा, क्या प्रेजेंट है? मायोफाइब्रिल। सो मैंने आपको ये मायोफाइब्रिल बना के दिखाए भी और बताया ये मायोफाइब्रिल किसके बने बताओ, एक्टिन और मायोसिन। चलो भाई, एक्टिन और मायोसिन के ये मायोफाइब्रिल बने हुए, और आपको पता चला कि एक्टिन और मायोसिन में बेटा बैंड्स है ना बैंड्स? Yes, sir. कुछ पैसे लाइट कुछ मान लीजिए ये लाइट बैंड है और ये डार्क बैंड है, फिर लाइट बैंड है डार्क बैंड है, लाइट बैंड है एंड देन डार्क बैंड है। तो मैंने बोला था लाइट और डार्क बैंड का आपस में बेटा अल्टरनेट कंडीशन है, जो ज्यादा गाढ़े कलर के हैं दे आर नोन एज डार्क बैंड, और जो बेटा आपके लाइट कलर के हैं दैट इज नोन एज लाइट। तो बताइए कौन सा बैंड? ये अल्टरनेट है। मैंने कहा था केवल इतना याद करके रखना ताकि इनके स्ट्रक्चर को हम लोग और ध्यान से देख पाए, केवल इतना ध्यान करके रखना है आपको। यस, क्या ध्यान करके रखना है? इधर देखिए कि इसमें से जो डार्क बैंड है और लाइट बैंड है इनके मैंने फॉर्मूले पढ़ाए थे। मैंने बोला कि लाइट बैंड है इसके लिए आपको याद रखना थिन अली। बोलो, कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आया कि थिन अली का मतलब क्या, और ये क्या बताया था? थिक एमडीएल। हाँ, थिक एमडीएल। मैंने कहा था कुछ चीजें आपको सीखनी है और वो भूलनी नहीं है। बताओ लाइट बैंड का दूसरा नाम कैसा बैंड? थिन। बताइए जो बैंड थिन है कैसा है? थिन। थिन मतलब बहुत चौड़ा कि पतला, वो किसका बना है? एक्टिन का। एक्टिन का बना है, इसी का नाम है लाइट बैंड। ये लाइट बैंड क्यों है? क्योंकि ये लाइट कलर है। कैसा बड़ा? लाइट। और अगर इसमें लाइट डाली जाए, क्या डाली जाए? लाइट, तो ये आइसोट्रॉपिक कंडीशन शो करता है। क्या बेटा? आइसोट्रॉपिक। तो याद रखना इसी का नाम है आइसोट्रॉपिक बैंड। फिर से बोलो, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज आई बैंड। चलिए बेटा थिन एली में चारों पॉइंट बताओ, जो आपकी मसल फाइबर में अल्टरनेट बैंड है, एक पतला और एक चौड़ा, पतला वाला थिन। थिन किसका बना है? एक्टिन। लाइट बैंड है, आइसोट्रॉपिक है, क्या बोलेंगे? आई बैंड। फिर से बोलो, आई बैंड। ओके, दूसरा बैंड है थिक बैंड। कैसा? थिक। तो इसके भी चार पॉइंट याद रखने, वन इज थिक, किसका बना है? मायोसिन। वो किसका बना था? ये किसका? मायोसिन। और बोलो, डार्क है और आइसोट्रॉपिक की एनआइसोट्रॉपिक। तो हमारे पास एक आइसोट्रॉपिक और एक एनआइसोट्रॉपिक। अगर लाइट डाली जाए तो ये बैंड आइसोट्रॉपिक है कि एनआइसोट्रॉपिक? केवल इतना सिखाया है और अभी मुझे मालूम है इससे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे भी मालूम है इससे कुछ समझ में नहीं आता। मैंने आपका ब्रेन और माइंड प्रिपेयर करने की कोशिश की है कि जब आपको कोई भी बड़ी स्ट्रिप्ड मसल दिखाई पड़े तो उसमें जो गहरे कलर का दिखाई पड़े आप उसे डार्क बोल सके,
और जो हल्के कलर का दिखाई पड़े उसे लाइट। तो गहरे और हल्के कलर की पट्टियां पड़ी हुई हैं, लाइट एंड डार्क, लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट हुए। लाइट एंड डार्क प्रेजेंट में से कभी कोई लाइट बोले तो बोलो आइसोट्रॉपिक, और बोलो एक्टिन का बना है और कैसा है, थिन। और कोई कोई डार्क बोले तो बोलो सर डार्क बैंड है, एनआइसोट्रॉपिक है, मायोसिन का बना है, थिक बैंड। ऐसे किसी भी फाइबर की जब हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, यानी अगर हम लोग उसको और बढ़िया माइक्रोस्कोप से देखेंगे, इसे और बढ़िया माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये हमें कैसा दिखेगा, आइए हम लोग वैसा देखने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करेंगे तो ये हमें दिखने वाला है कुछ अलग ही कलर का, कुछ यूं दिखने वाला है बेटा कि जब हम इस मसल को और डिटेल स्ट्रक्चर से देखेंगे तो हमें लाइट बैंड के बीचों बीच, किसके बीच, लाइट बैंड के बीचों बीच मुझे एक इलास्टिक लाइन मिलेगी, एंड दैट इलास्टिक लाइन इज नोन एज जेड लाइन। लेट सपोज, लेट सपोज ये एक लाइन मिली मुझे, लेट सपोज एक ये लाइन मिली मुझे, लेट सपोज मुझे ये एक लाइन मिले। अब मैं कोशिश में हूं कि आपको ये समझ में आ जाए। ये जो लाइन मिल रही है इसका नाम रखा मैंने जेड लाइन, फिर से बोलो जेड लाइन, इसका बिना जेड लाइन और इसका बिना जेड लाइन। अभी डायग्राम गड़बड़ होगा इसलिए अभी देखने की कोशिश करना। ये जो जेड लाइन है, इस जेड लाइन से जुड़े हुए मिलेंगे मुझे एक्टिन फिलामेंट, बोलो एक्टिन, दोनों तरफ मुझे एक्टिन फिलामेंट मिलेंगे लाइक दिस। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर का कुछ बाउंड्री क्रिएट करने की कोशिश करूं तो मुझे कुछ लाइट कलर का बैंड दिखेगा, कैसा दिखेगा, लाइट कलर। वो तो लाइट कलर के बैंड के बीचों बीच, बस इतना सीख जाओ मजा आ जाए, बोलो और जेड लाइन से जुड़े हुए फिलामेंट, फिर से बोलो एक्टिन फिलामेंट, बस इतना शब्द याद कर लो, चाहे जितना टाइम लगे इसको भूलना नहीं, एक्टिन फिलामेंट। जेड लाइन के दोनों तरफ क्या मिलेंगे, एक्टिन फिलामेंट। लेट सपोज अगेन दिस, जेड लाइन के दोनों तरफ एक्टिन फिलामेंट, अगर मैं इसकी बाउंड्री क्रिएट करूं तो दिस इज एक्टिन फिलामेंट। अब बताओ ये कैसा बैंड होगा, लाइट बैंड होगा, लाइट बैंड के बीचों बीच किसका बना है, एक्टिन। चलो अब इसके बारे में भी बताओ ये कौन सा होगा, एक्टिन फिलामेंट, ये भी क्या होगा, एक्टिन फिलामेंट, ये भी क्या होगा, एक्टिन फिलामेंट, एंड ऑल ऑफ देम आर द एक्टिन फिलामेंट। अगर मैं इसकी बाउंड्री क्रिएट करने की कोशिश करूं तो दिस इज समहाउ जेड लाइन। अब आपके बीच में जो खाली जगह दिख रही है आपको लगेगा कि सर यही बेटा ये क्या होगा, ये क्या हवा होगी, नहीं, इसके बीचों बीच आपको एक एम लाइन मिलेगी, कैसी मिलेगी, एम लाइन। अगर मैं बोलूं दिस इज लाइन नोन एज एम लाइन, दिस इज लाइन नोन एज एम लाइन, और इस एम लाइन से बेटा जुड़े हुए स्ट्रक्चर मिलेंगे जिनका नाम होगा मायोसिन फिलामेंट, बोलो क्या, मायोसिन। अब याद रखना मायोसिन फिलामेंट का विस्तार जहां तक है, ये देखो वो एक्टिन फिलामेंट के अंदर घुस चुका, मायोसिन फिलामेंट का विस्तार जहां तक भी है वहां तक बेटा बैंड जाएगा, और दैट बैंड इज नोन एज डार्क बैंड। फिर से बोलो डार्क बैंड। आप कह रहे थे सर ये है लाइट बैंड, मैंने कहा था लाइट बैंड में क्या प्रेजेंट है, एक्टिन, फिर से बोलो एक्टिन। लेकिन अब मैं अपनी भाषा सुधारता हूं कि सर जहां तक बेटा ये लाइन है, लाइन का नाम बताओ एम लाइन,
चला जाए, ठीक है जाओ बेटा। सॉरी, फिर से कोशिश करते हैं, ठीक है। अब जल्दी कोशिश करना क्योंकि अब आपको आ गया है। बताइए मैं किसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, मसल फाइब्रिल का कि फाइबर का? मसल फाइबर। बताओ ये जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ये सार्कोलेमा है? नो सर, सार्कोलेमा है सर, ये सार्कोलेमा। ओके गुड। अब बताइए सार्कोलेमा में कितने प्रकार के बैंड? दो, एक और लाइन, दूसरा डार्क। पक्का? मैंने आपसे कहा कि केवल आपको इतना याद रखना है कि देयर इज अ बैंड नोन एज लाइट बैंड, और जिस लाइट बैंड के बीचों बीच में मेरे पास एक लाइन है। जल्दी बोलो कौन सी लाइन है? सर ये जेड लाइन है। एक और लाइन खींचे, बोलो क्या नाम है? जेड लाइन। एक और लाइन खींचे, बोलो क्या नाम है? जेड लाइन। अब बोलो बताओ ये कौन सी लाइन, और ये वाली कौन सी लाइन? जेड लाइन। और ये कौन सी लाइन? जेड। तो बोला गया जेड लाइन से क्या निकल रहा है? तो सर यहां से निकल रहे हैं फिलामेंट। नाम बोलो। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है बेटा एक ही चीज को सीखने में। इस फिलामेंट का नाम क्या है? एक्टिन फिलामेंट। देखने में काफी चौड़े लग रहे हैं पर हम लोगों ने इनका नाम थिन रखा था। क्या नाम रखा था? थिन। अभी थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा क्यों ये थिन है। अभी आप इनके बारे में बनाते रहिए। बताइए ये कौन से फिलामेंट है? एक्टिन फिलामेंट। अगेन दिस फिलामेंट इज नोन एज एक्टिन फिलामेंट, दिस फिलामेंट इज नोन एज एक्टिन फिलामेंट। बस मैं तुम्हें ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास ये आइडिया होना चाहिए। बताइए इस लाइन का नाम? ये वाले का नाम? जेड लाइन। इसका नाम? आगे भी क्या होगा? आगे भी क्या होगा? तो बहुत सारी जेड लाइन होगी और इनमें बेटा बैंड होंगे लाइट और डार्क। अच्छा, जो बीच बीच में जगह खाली पड़ी हुई है उस जगह पर मैंने आपको एक लाइन बताई। बोलो कौन सा? जेड लाइन की एम लाइन। फिर से बोलो, फिर से बोलो एम। चलो दो एम लाइन के साथ काम करते हैं। एम लाइन बेटा जहां तक जा रही है उससे निकल रहे हैं मायोसिन फाइबर। फिर से बोलो, मायोसिन फाइबर निकल रहे हैं। और मायोसिन फाइबर जहां तक बेटा निकल रहे हैं, सी दिस मायोसिन फाइबर जहां तक पहुंच रहे हैं वहां तक जो बैंड पड़ा हुआ है, देखो मैं इमेजिनरी लाइन बता रहा हूं, बताइए इस बैंड का नाम क्या होगा? डार्क। फिर से बोलो, फिर से देखो, इधर से इधर देखोगे, इधर देखो, बताओ ये क्या है? एक्टिन की मायोसिन, मायोसिन। ये क्या है? ये भी सब क्या है? मायोसिन। सब क्या है बेटा? मायोसिन। बताइए यहाँ तक क्या है? यहाँ तक क्या है? डार्क। तो अब जरा मैं बोलूँ वो मुझे बताओ, जहां तक ब्लू फाइबर है, जहां तक भी आपको ब्लू फाइबर दिख रहे हैं, बताइए कौन सा बैंड है? बोलो ये कौन सा बैंड? डार्क बैंड। तो डार्क बैंड का दूसरा नाम क्या था? ए बैंड। फिर से बोलो, आइसोट्रॉपिक के आइसोट्रॉपिक। इस वाले बैंड का नाम ए बैंड, आइसोट्रॉपिक के आइसोट्रॉपिक। अब जरा गौर से देखना, बची हुई जगह बची, जो भी जितनी भी जगह बची दिस, बताइए इस बैंड का नाम क्या है? आई बैंड। फिर से बोलो, अब बताओ आई बैंड के बीचों बीच में क्या है? एक्टिन की मायोसिन। अच्छा, मायोसिन बोलने वाले। अरे बेवकूफ, इस लाइन का नाम बिना डांट खाए मानते नहीं हो? बताओ इस फिलामेंट का नाम? एक्टिन। और इस फिलामेंट का नाम? मायोसिन। अब जवाब चाहिए मुझे सही ढंग से, बताओ आई बैंड जहां पर है वहां पर बताओ मायोसिन पेनिट्रेट हो रहे कि नहीं हो रहे? हो रहे नहीं? पेनिट्रेट हो रहे, इसीलिए आई बैंड थिक है कि थिन है? थिन है। और जहां तक भी बेटा मायोसिन जा रहा, जहां तक भी वहां पर कौन सा बैंड है? ए। ए फॉर एनाइसोट्रॉपिक, आई फॉर आइसोट्रॉपिक। अब बताओ आइसोट्रॉपिक थिक है कि थिन? ए बैंड थिक, ए बैंड थिक, आई बैंड। अब मैं जो पूछूं बताओगे? बताओ आई बैंड में क्या प्रेजेंट? एक्टिन की मायोसिन। थैंक गॉड, क्या प्रेजेंट है? अच्छा बताओ ए बैंड में क्या प्रेजेंट है? मायोसिन और एक्टिन दोनों, लेकिन यहां एनाइसोट्रॉपिज्म किसकी वजह से? मायोसिन। इसीलिए हम बोलते हैं इस पूरे बैंड का नाम, यहां से यहां तक के बैंड का नाम एनाइसोट्रॉपिक बैंड। और इसका कारण एक्टिन है कि मायोसिन? मायोसिन। याद रखना, एक्टिन की अगर क्षमता होती है एनाइसोट्रॉपी तो इस जगह पर भी एनाइसोट्रॉपी होती। यस और नो?
इसका मतलब एक्टिन की क्षमता एनाइसोट्रॉपी नहीं है, तो किसकी क्षमता है? मायोसिन। तो मायोसिन जहां तक गया वहां तक आइसोट्रॉपिज्म के एनाइसोट्रॉपी। फिर से बोलो। और इसीलिए बेटा ए बैंड का एक जोन ऐसा भी मिलेगा जो ओवरलैप नहीं कर रहा होगा। देखो यहां से यहां तक बताओ ओवरलैप है कि नहीं? एंड दैट जोन इज नोन एज एच जोन। फिर से बोलो। और इस लाइन का नाम एम लाइन। फिर से बोलो। और बताओ इसी तरीके से मैं बताऊं इस लाइन का नाम बोलो क्या नाम होगा? एम लाइन। और आगे चलते जाओगे तो एम लाइन होती जाएगी। देखिए बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है लेकिन मैं अगर स्ट्रेट बनाऊं तभी तुम्हें समझ में आएगा। मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम्हें समझ में आ रहा। एक कोशिश और अब आप करेंगे मेरे साथ। बताइए मैं क्या बना रहा हूं? फाइबर की फाइब्रिल। आइए फाइबर की कोशिश करते हैं। अब बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए 200%। बताओ ये सार्कोप्लाज्म। हाँ सार्कोलेमा के अंदर सार्कोप्लास के अंदर एक्टिन और मायोसिन। पक्का? yes, और एक्टिन और मायोसिन बेटा अल्टरनेट बैंड में है। yes, मैंने आपको इमेजिनरी लाइन बनाने के लिए बोला बनाओ इमेजिनरी लाइन। क्या नाम है? जेड लाइन। फिर मैंने बोला एक और बनाओ जेड लाइन। बना लिया आपने? yes, कितनी जेड लाइन? दो। ऐसे एक है कि बहुत सारी? बहुत सारी जेड लाइन है। yes, मैंने पूरा टॉपिक दो पार्ट में बांट दिया। जेड लाइन है। बताइए जेड लाइन से कौन से फाइबर निकले? हाँ अगर मैं येलो कलर बता रहा हूं तो एक्टिन की मायोसिन। तो सर ये एक्टिन फाइबर निकल रहे। चलिए सर एक्टिन फाइबर निकल रहे। जहां तक एक्टिन फाइबर निकल रहे हैं ये कंडीशन आइसोट्रोपिज्म की एनाइसोट्रोपिज्म? अच्छा बताओ जहां तक एक्टिन फाइबर निकल रहे आइसोट्रोपिज्म की एनाइसोट्रोपिज्म? तो भाई सर आइसोट्रॉपिज्म होनी चाहिए। अब आप एक एक करके सीखो। बहुत सारी चीजें सीखोगे तो एक साथ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। चलो इसका नाम और हमने माना कि ये लाइट बैंड है। बोलो क्योंकि ये बना है एक्टिन का। फिर से बोलो। और हमने ये माना कि सर ये भी किसका बना है? एक्टिन का। एक्टिन का मैं एक और बना दूंगा लेकिन आप मेरी मदद करते रहो। बताओ ये इमेजिनरी लाइन सॉरी ये लाइन है? इमेजिनरी नहीं रियल लाइन है। इलास्टिक। कैसी है? इलास्टिक। अब हमने बीचों बीच एक और लाइन खींची और इस लाइन का नाम रखा एम लाइन। फिर से बोलो एम लाइन। दिस इज एम लाइन नाम। इस वाली का नाम? इसका नाम? इनका फिलामेंट एक्टिन। इनका फिलामेंट एक्टिन। इसका नाम एम लाइन। एम लाइन एक्चुअली बहुत पतली लाइन है लेकिन मैं दिखाने के लिए ऐसा बना रहा हूं। बहुत पतली लाइन है ये एम लाइन। अच्छा एम लाइन से निकलने लगे फाइबर एक्टिन की मायोसिन और मायोसिन आइसोट्रोपिज्म के एनाइसोट्रोप। बताओ ये वाला एनाइसोट्रोप। बताओ ये वाला एनाइसोट्रोप। ये वाला एनाइसोट्रोपिज्म। ये वाला भी एनाइसोट्रोप। तो ये वाला रीजन जहां तक जा रहा है ये एनाइसोट्रोपिज्म है। तो एनाइसोट्रोपिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्टिन की मायोसिन। तो मैंने कहा जहां तक भी एनाइसोट्रोपिज्म है वो वाला बैंड क्या कहलाएगा? ए बैंड। फिर से बोलो ए बैंड। तो हमने कहा सर ये तो ए बैंड हो गया। कौन सा बैंड? तो बताइए इधर से भी एक बैंड आया होगा। नाम बताओ क्या होगा? ए बैंड रहा होगा। और बताओ उसकी भी एक इमेजिनरी इसकी एक भी एक लाइन रही होगी। नाम क्या होगा? एम लाइन। फिर से बोलो एम लाइन। तो बताओ ये वाला बैंड भी जहां तक गया होगा नाम क्या होगा? हाँ ए बैंड। ये रहा ए बैंड। तो आइसोट्रोपिज्म और एनाइसोट्रोपिज्म आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फिलामेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिन की प्रॉपर्टी आइसोट्रोपी और मायोसिन की। अब मायोसिन यहां से यहां तक पहुंच गया तो आइसो के एनाइसो। एनाइसो पक्का? yes, और मायोसिन यहां से यहां तक पहुंच गया तो क्या हो गया? आइसो। लेकिन बेटा एक्टिन यहां से लेकर यहां तक है तो सर आपने क्यों नहीं बोला कि यहां से लेकर यहां तक आई बैंड है? नहीं, क्योंकि आइसोट्रोपिज्म लाइट ट्रेवलिंग प्रॉपर्टी है। अगर लाइट यहां से घुसी तो एक्टिन होने के बावजूद भी मायोसिन लाइट में आइसोट्रोपिज्म करेगा कि एनाइसो? एनाइसो। इसलिए इतना बड़ा जोन जितना छोटा सा जोन दिस जोन जिसमें केवल और केवल कौन है? एक्टिन। फिर से बोलो एक्टिन। वो क्या कहलाएगा? आई बैंड। फिर से बोलो आई बैंड।
तो बताओ आई बैंड इज थिक और थिन? और बेटा ए बैंड? आई बैंड? ए बैंड? अब मैं जो पूछूं बताओगे तो अच्छा रहेगा, बताओ आई बैंड में एक्चुअली कौन सी प्रोटीन है? एक्टिन। ए बैंड में मायोसिन के साथ एक्टिन भी ओवरलैप करती है, लेकिन आई नो एन आइसोट्रॉपिज्म इज नॉट द फीचर ऑफ एक्टिन, सो दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग दैट ए बैंड इज टोटली ड्यू टू मायोसिन। क्या बोला मैंने, कुछ समझ में आया? मैंने बोला ये पूरा बैंड ए बैंड है, ये बात और है कि इस बैंड में मायोसिन के साथ कुछ जगह पर क्या है एक्टिन, लेकिन एक्टिन की वजह से एनाइसोट्रॉपिज्म? किसकी वजह से? मायोसिन। तो हम बताओ ए बैंड होना किसकी वजह से मानेंगे? मायोसिन। नहीं आया? और ये बात और है कि जहां जहां एक्टिन है वहां वहां पर आइसोट्रॉपिज्म, क्योंकि कुछ जगह पर ये ओवरलैप है, वहां पर आइसोट्रॉपिज्म, जहां ओवरलैप नहीं है वहीं पर क्या है? आई बैंड। नहीं आया? आ गया। अब आओ, अब बोलते हैं कि अगर मैं इस लाइन को एम लाइन बोलूं तो ठीक है भाई, बोल दो एम लाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, ये एम लाइन है। फिर बोलते हैं एम लाइन के दोनों तरफ मायोसिन है, क्या है? मायोसिन। पर मायोसिन का कुछ हिस्सा एक्टिन के साथ ओवरलैप है, कुछ हिस्सा एक्टिन के साथ ओवरलैप है। तो जैसे एक्टिन का कुछ हिस्सा ओवरलैप नहीं है, वैसे ही मायोसिन का भी कुछ हिस्सा ओवरलैप नहीं है, एंड दैट जोन इज नोन एज एच जोन। वो बताओ एच जोन इज फाउंड इन ओवरलैप के नॉन ओवरलैप? आई बैंड इज फाउंड एज एक्टिन फिलामेंट। बोलो, जहां तक एक्टिन वहां तक आई बैंड? ऐसा नहीं है। जहां पर ओवरलैप नहीं है वहां पर आई बैंड है, जहां ओवरलैप है वहां पर ए बैंड। अब अपनी एनसीईआरटी निकालो, क्योंकि मुश्किलें यहां नहीं है वहां पर है। एनसीईआरटी नहीं समझ पाओगे तो तुम मुझे ही गालियां दोगे। डायग्राम देखो, पेज नंबर कौन सा है? 305 के नीचे वाला डायग्राम देखो। देखा काली काली लाइन जो है वो कौन सी लाइन है? जेड लाइन। काली वाली लाइन का नाम जो तुम्हारी बुक है जेड लाइन, यहां पर येलो है वहां पर ब्लैक है, जेड लाइन। जेड लाइन के दोनों तरफ कौन से फिलामेंट निकले? एक्टिन की मायोसिन, एक्टिन। इधर से भी कौन से निकले? एक्टिन। एक्टिन जहां तक विस्तारित है, जहां तक वो आइसोट्रॉपिज्म शो करने चाहिए, क्या शो करते? आइसोट्रॉप। लेकिन भगवान ने क्या डाल दिए? मायोसिन। और मायोसिन का नेचर लाइट डालने की वजह से ये एरिया कैसा होगा? एनआईसी। तो एनआईसोट्रॉपिज्म किसका फीचर है? मायोसिन। ये बात और है कि उस एरिया में कौन घुस गए? एक्टिन। लेकिन उनके होने से कोई फर्क? पक्का? तो बताओ एनआईसोट्रॉपिज्म इज द फीचर ऑफ मायोसिन। तो जहां तक मायोसिन का विस्तार है कौन सा बैंड? ए बैंड। और इस हिसाब से जहां तक एक्टिन का विस्तार है वहां तक क्या होना चाहिए? आई बैंड होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ हिस्सा इधर ओवरलैप है, कुछ हिस्सा इधर ओवरलैप है, और ये हिस्सा किस बैंड में घुसा है? ए बैंड। तो बताओ वो हिस्सा ए बैंड का पार्ट हो गया। तो जो हिस्सा ओवरलैप नहीं है उसका नाम आई बैंड। तो बताओ एक्टिन का वो हिस्सा, एक्टिन फिलामेंट का वो हिस्सा जो ओवरलैप उसका नाम आई बैंड, और मायोसिन फिलामेंट का वो हिस्सा जो ओवरलैप नहीं है एच जोन, और पूरा मायोसिन ए बैंड। और बोलते हैं दो जेड लाइन के बीच का बेटा पार्ट, इट इज अ फंक्शनल यूनिट। बोलो क्या नाम? यस, नर्व सॉरी मसल की फंक्शनल यूनिट है, एंड दैट इज नोन एज सार्कोमियर। बोलो, अब आप पूछेंगे कि सार्कोमियर को फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? तो फंक्शनल यूनिट बोलने का कारण यह है कि यही सार्कोमियर है जो मसल के काम को करती है, और मसल का काम होना है कॉन्ट्रैक्शन। बोलो क्या नाम? और मसल जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसका कुछ हिस्सा छोटा हो जाएगा। कौन सा हिस्सा छोटा होगा? वो किसके रेस्पेक्ट में देखोगे? सार्कोमियर। तो अगर सार्कोमियर छोटी होने लगी, सर्दी बंद कराओ इसे।
एसी बनता अभी मुट्ठी बंद करो अभी सही है ठीक है ठीक ओके तुम्हारे पास दो बैंड है एक कौन सा ए बैंड और ए बैंड के बगल में कौन सा बैंड है आई बैंड मैं बार बार समझाते शायद पक भी जाऊंगा और तुम नहीं जवाब दे पाओगे तो मेरी गलती नहीं जहां तक मायोसिन का विस्तार है ए का मतलब एनाइसोट्रॉपिज्म वहां की लाइट की एक्टिविटी एनाइसोट्रॉपिक होगी यस सर अब ये और है कि वहां एक्टिन घुस गया क्या करें वो नेचर बदलने वाला इसलिए जहां तक केवल एक्टिन है जहां तक और ओवरलैपिंग उस जगह का नाम आई बैंड याद रहेगा फिर मैंने बोला दो जेड लाइन की जगह बीच की जगह नाम बताओ सार्कोमियर कल को तुम बोलो सर यहां पर भी एक जेड लाइन है बिल्कुल इसका भी नाम सार्कोमियर सर वहां पर भी है सार्कोमियर सर यहां पर भी है सार्कोमियर तो बोला गया सार्कोमियर इज अ फंक्शनल यूनिट बोलो और किसी भी नाम को बहुत सही से पढ़ा करो व्हाई इट इज नोन एज फंक्शनल यूनिट क्योंकि बेटा मसल का फंक्शन इसी यूनिट के रेस्पेक्ट में डिवाइड किया जाएगा किसके सार्कोमियर इसी के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया जाएगा मतलब मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो मसल छोटी हो रही है और अगर मसल छोटी हो रही है तो उसका क्या पार्ट छोटा हो रहा है सार्कोमियर अगर मसल रिलैक्स हो रही है तो उसका कुछ पार्ट रिलैक्स हो रहा हो बड़ा हो रहा क्या रिलैक्स हो रहा सार्कोमियर तो हम सार्कोमियर के रेस्पेक्ट में देखते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है कि मसल रिलैक्स हो तो सार्कोमियर वो जगह है वो यूनिट है वो उतना प्लेस है जिसके रेस्पेक्ट में हम मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को डिफाइन करते हैं और इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को डिफाइन करने की इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं फंक्शनल यूनिट क्या बोलते हैं फंक्शनल इसके बजाय हम अगर डिटेल स्ट्रक्चर में जाएं तुम घबराना मत फिर से बोलो अपने मन में देखोगे तो ये सब आ जाएगा अगर मैं बोलूं कि मेरे पास फाइबर के अंदर एंट्री मारने की जगह मैं फाइबर के अंदर एंट्री मारूं सबसे अंदर क्या मिलेगा सबसे बाहर मिल क्या मिलेगा सार्कोलेमा अंदर सार्कोप्लाज्म उसके अंदर मायोफाइब्रिल कितने प्रकार के दो एक कौन एक्टिन दूसरा एक्टिन मायोसिन में लाइट और डार्क बैंड हो गए ये बात और है कि मैंने पहले पढ़ाया था लाइट बैंड किसका बना है एक्टिन अभी तक वही सही है डार्क बैंड किसका बना है मायोसिन ये बात और है कि मायोसिन के उस हिस्से में कौन आ गया एक्टिन ओवरलैप कर गया है अब बिना देख के बताओ क्या आपको जेड लाइन दिख रही है जेड लाइन दिख रही है जेड लाइन से क्या फिलामेंट एक्टिन बोलो एक्टिन उलर एक्टिन एक्टिन फिलामेंट जहां तक है वहां तक लाइट बैंड नहीं है एक रूल है मायोसिन फिलामेंट जहां तक है वहां तक ए बैंड की आई बैंड ए बैंड आइसोट्रॉपिक इसके बीचों बीच में कौन सी लाइन है एम लाइन और बेटा लाइट बैंड के बीचों बीच में जेड लाइन दो जेड लाइन के बीच का पार्ट सार्कोमियर जवाब दे देना जवाब देना जो लाइट बैंड है उसमें एक्टिन फिलामेंट है और एक्टिन फिलामेंट याद रखना एक्टिन फिलामेंट का वो हिस्सा जो ओवरलैप वो लाइट क्या है कि डार्क लाइट और जो ओवरलैप कर रहा है वो किस में चला गया डार्क डार्क मतलब आइसो के एनाइसो आइसो के एनाइसो एनाइसो तो मायोसिन का जहां तक विस्तार है मायोसिन का जहां तक विस्तार है
ए की आई ए, और बेटा जहां पर ओवरलैप नहीं है वहां आई, दो जेड लाइन के बीच। बहरहाल आप आई बैंड बात करो या ए बैंड बात करो, कुछ भी बात करो, आप एक्टिन और मायोसिन की ही बात करेंगे, याद रखना। तो जब हम लोग एक्टिन फिलामेंट को डिटेल में पढ़ते हैं तो एक्टिन फिलामेंट के डिटेल स्ट्रक्चर भी अजीब हैरान करने वाले हैं। तो हम लोग एक्टिन फिलामेंट के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, दे आर मेड अप ऑफ थ्री फाइबर और मेड अप ऑफ थ्री प्रोटीन्स, तीन प्रकार की प्रोटीन से बने हुए। एक्टिन फिलामेंट इट्सेल्फ मेड अप ऑफ थ्री टाइप ऑफ प्रोटीन्स, याद रखना। वन इज नोन एज एफ एक्टिन, एफ एक्टिन के दो फिलामेंट, याद रखना दो फाइबर। इसके अलावा ट्रोपोमायोसिन, दो फिलामेंट और बहुत सारे ट्रोपोनिन। देखिए टॉपिक कहां से छूटा हमारे पास, बताओ। लाइट बैंड और डार्क बैंड दिख रहे हैं, एन आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक दिख रहे हैं। कौन है एन आइसोट्रॉपिक? मायोसिन की एक्टिनिन। कौन है आइसोट्रॉपिक? एक्टिन। आई बैंड याद है? ए बैंड याद है? हम लोग यहां पर आई बैंड के अंदर घुसे, किसके अंदर? आई बैंड। आई बैंड में कौन प्रेजेंट है? एक्टिन। और बोला गया एक्टिन के जो फिलामेंट हैं, जो जेड लाइन के दोनों तरफ हैं, दीस फिलामेंट, ये फिलामेंट किससे बने हैं सर? ये फिलामेंट किससे बने? दे आर मेड अप ऑफ थ्री प्रोटीन, फिर से बोलो, थ्री। नंबर वन एफ एक्टिन, दूसरा ट्रोपोमायसिन, तीसरा ट्रोपो। आइए इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। आप सबसे पहले देखेंगे देयर इज वन प्रोटीन स्ट्रक्चर विच इज ग्लोबुलर इन नेचर, गोल गोल होने की वजह से इसे हम लोग बोलते हैं ग्लोबुलर। और ये ग्लोबुलर एक्टिन प्रोटीन है, यानी एक्टिन नाम की प्रोटीन का बना है, लेकिन ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है। ये जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है इसको हम लोग मानते हैं मोनोमर। बोलो क्या मानेंगे? जैसे हम लोग मोती को आपस में जोड़कर माला बनाते हैं, तो मोती इज मोनोमर की पॉलीमर, और माला इज, तो बोलते हैं कि ये जो गोल गोल आपको एक्टिन दिख रहा, इट इज नोन एज जी एक्टिन। व्हाट इज जी एक्टिन? ग्लोबुलर एक्टिन, फिर से बोलो। तो बोलते हैं ग्लोबुलर एक्टिन पॉलीमर बनाने लगी, पॉलीमर बनाने लगी मतलब एक बहुत लंबी चेन बनाने लगी ग्लोबुलर एक्टिन। और ग्लोबुलर एक्टिन जब बहुत लंबी चेन बनाने लगी तो हमें लगा कि ये तो फाइबर बन गया, और ये फाइबर बन गया एक्टिन का। किसका बन गया? एक्टिन का। पर बताओ इसमें एक जी है कि बहुत सारे? इसलिए हमने इस एक्टिन का नाम रखा एफ एक्टिन, फिर से बोलो। और एफ एक्टिन का मतलब फाइबर एक्टिन, फिर से बोलो। तो फाइबर एक्टिन इज मोनोमर की पॉलीमर? पॉलीमर। मोनोमर? और ये पॉलीमर किसका है? तो व्हेन जी एक्टिन, जब बहुत सारी जी एक्टिन आपस में जुड़ी तो क्या बन गया? फाइबर, एंड दैट इज नोन एज एफ एक्टिन। तो बोलते हैं ऐसे एफ एक्टिन के दो फाइबर, ये रहा पहला फाइबर, सी दिस, ये दूसरा फाइबर। एफ एक्टिन के दो फाइबर एक दूसरे के ऊपर क्रॉस या फिर बेटा क्रॉस बनाते हुए निकलते हैं। तो बताइए एफ एक्टिन के कितने फाइबर? दो। दो एफ एक्टिन के फाइबर, और वो दोनों एफ एक्टिन किसके बने हैं? जी एक्टिन। जब दो फाइबर एक साथ चलते हैं तो इन्हीं दो फाइबर के साथ चेन चलती है एक प्रोटीन की, और वो भी दो चेन। पहली चेन का नाम है बेटा यस सिरिस, इसका नाम है बेटा ट्रोपोमायोसिन, फिर से बोलो। और ट्रोपोमायोसिन के भी बेटा दो चेन है, कितनी चेन है? सी थोड़ा सा गलत हुआ, ओके। बस आपको एज्यूम करना है। तो बताइए जो ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स बनाए मैंने, ये क्या है?
ट्रोपोनिन की ट्रोपोमाइसिन. सो देयर आर टू ट्रोपोमाइसिन एंड देयर आर टू ट्रोपोनिन, सॉरी ट्रोपोमाइसिन और दूसरे कितने एफ एक्टिन. तो बताओ कितनी बेटा बेटा रस्सियां चली ट्रोपोमाइसिन की, दो. तो ये जो पीला वाला रहा वो एफ एक्टिन रहा, बाकी ये वाला रहा ट्रोपोमायोसिन. और इन ट्रोपोमाइसिन में जगह जगह पर प्रेजेंट है एक्टिव साइट्स. क्या प्रेजेंट बेटा? एक्टिव साइट, जगह जगह पर एक्टिव साइट्स प्रेजेंट है. इन जगह जगह की एक्टिव साइट्स पे बेटा एक स्मॉल प्रोटीन बैठी हुई है, और ये स्मॉल प्रोटीन बेटा इट इज नोन एज ट्रोपोनिन. बोलो कौन बेटा? ट्रोपोमाइसिन की ट्रोपोनिन, ट्रोपोन. और तब जाकर के एक एक्टिन फिलामेंट बना है. अब बताइए एक्टिन फिलामेंट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? बोलो एफ एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोनिन. ट्रोपोनिन के एक ग्रुप की बहुत सारे. और बेटा कितनी चेन? ट्रोपोमाइसिन की कितनी? दो. एफ एक्टिन की दो. और एफ एक्टिन का मतलब मोनोमर की पॉलीमर. एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर एंड जी एक्टिन इज अ मोनोमर. और इस तरीके से एक फिलामेंट बना आपके सामने, और ये फिलामेंट क्या कहला रहा बेटा? एक्टिन. तो अगर मैं कल को बोलूं कि ये बेटा जेड लाइन है, बोलो, और जेड लाइन से एक्टिन फिलामेंट निकले, तो बोलो इस एक्टिन फिलामेंट में क्या क्या होगा? पता नहीं क्या क्या होगा. एफ एक्टिन होगा, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन होगा, ट्रोपोनिन होगा. कितने ट्रोपोमायोसिन? कितनी लेयर बेटा ट्रो एफ एक्टिन की? और जगह जगह पर बताओ ये कौन है? तो जेड लाइन में जो ये स्ट्रक्चर बन रहे हैं उनका नाम क्या है? एक्टिन फिलामेंट. फिर बोलो. तो जो सर ऐसे खींच के बना देते हैं ना कि सर ये रहा एक जेड लाइन, फिर बोला गया कि ये है एक्टिन, 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 ये एक्टिन. एक्टिन नहीं है इसमें. एक लोग है कि तीन लोग? इसमें भी तीन लोग, इसमें भी तीन लोग. तीनों लोग के नाम बताओ. एफ एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन. कितनी रस्सियां चल रही हैं? रस्सियां ट्रोपोमाइसिन की कितनी? दो. एफ एक्टिन की दो. और जगह जगह पर कहते हैं अगर इस जगह ट्रोपोनिन ना होता तो यहां एक एक्टिव साइट खाली होती. क्या खाली होती? एक्टिव साइट, जिसमें मायोसिन आकर के जुड़ जाता. कौन? मायोसिन. तो बताओ इस जगह पर कौन घेर कर बैठा है? ट्रोपोनिन. फिर बोलो. ट्रोपोनिन हटा दो. किसकी जगह खाली? मायोसिन. तो क्या मायोसिन यहां पर आकर जुड़ पाएगा? कैसे जुड़ेगा वो मैं बाद में बताऊंगा. तो कल को पूछा जाए ट्रोपोनिन किस एक्टिव साइट पर बैठा है? मायोसिन की एक्टिव साइट. किसकी एक्टिव साइट? मायोसिन. हटाएं इसे. आ पाएगा? मुझे तो पहले ही पॉइंट से मालूम है कि तुम कुछ नहीं समझ रहे हो. फिलामेंट दिख रहा कि फाइबर? फाइबर. फाइबर के अंदर सार्कोलेमा दिख रही है? सार्कोप्लाज्म दिख रहा है? मायोफाइब्रिल दिख रहे हैं? एक्टिन मायोसिन दिख रहे हैं? डार्क लाइट बैंड दिख रहे हैं? ए बैंड आई बैंड दिख रहे हैं? मायोसिन एक्टिन दिख रहा है? अब बेटा जेड लाइन दिख रही है? जेड लाइन के दोनों तरफ एक्टिन की मायोसिन. एम लाइन दिख रही है? एम लाइन के दोनों तरफ मायोसिन. बताओ जेड लाइन के दोनों तरफ एक्टिन, एम लाइन के दोनों तरफ मायोसिन. आपस में अल्टरनेट कर रहे हैं. जहां जहां तक वहां वहां, जहां जहां तक आई, जहां जहां तक एक्टिन, वहां वहां तक आई बैंड नहीं है. क्योंकि कुछ पोर्शन एम और ओवरलैप कर रहा है. जो ओवरलैप है वो किसमें गया? डार्क बैंड. आइसो के नाइसो एन आइसो. तो एक्टिन जितनी जगह ओवरलैप उसका नाम आई बैंड. पक्का? और जहां तक मायोसिन है वहां तक दो जेड लाइन दिख रही है? दोनों का बीच स्पेस दिख रहा है?
नाम बताओ। क्या ये फंक्शनल यूनिट है? ये कॉन्ट्रैक्ट हुई तो मसल कॉन्ट्रैक्ट, ये रिलैक्स हुई तो मसल रिलैक्स। तो अब हम घुसे ये कि जिसे तुम एक्टिन बोल रहे हो, जिसे तुम मायोसिन बोल रहे हो, वो दिखता कैसा है? तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। और जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी देखी तो दिखाई पड़ा एक्टिन फिलामेंट एक रस्सी का है कि दो? दो और दो चार, और बीच बीच में प्रोपोनिन। तो चलो पहले जी एक्टिन दिख रहा है, गोल गोल एक्टिन इज जी एक्टिन। जी एक्टिन का फाइबर दिख रहा है, फाइबर इट इज एफ एक्टिन। तो रस्सी का नाम एफ एक्टिन, बंदे का नाम जी एक्टिन। तो जी एक्टिन मिलकर के पॉलीमर बनाए, कितने पॉलीमर रस्सियां? दो। दो पॉलीमर रस्सियां चल रही हैं, इनका नाम है एफ एक्टिन, और इन्हीं के साइड बाय साइड ट्रोपोमायसिन चल रही है, कितनी? दो। तो दो ट्रोपोमायसिन, दो एक्टिन। अब ट्रोपोमायसिन के पास, एक्टिन के पास की ट्रोपो एक्टिव साइट्स हैं, और जगह जगह की इनएक्टिव साइट पे कौन बैठा है? ट्रोपोनिन। बोलो, और ट्रोपोनिन बेटा फाइब्रस है कि बेटा ग्लोबुलर? ग्लोबुलर। और जगह जगह पे बैठा हुआ है? yes, तो बताओ किसी भी एफ एक्टिन फिलामेंट में, किसमें? yes, एक बात की तीन बात? yes, तीनों बात याद है? yes, बोलो, एफ एक्टिन ट्रोपोमायसिन। नहीं आया? अगर मैं ट्रोपोनिन हटा दूं, क्या हटा दूं? जगह खाली हो जाएगी। yes, कौन आएगा? मायोसिन। कैसे आएगा पता नहीं सर, लेकिन आएगा कौन? मायोसिन। अगर मायोसिन आ जाता तो एक्टिन और मायोसिन का कॉम्प्लेक्स बन जाता। खैर नहीं आया तो कोई बात नहीं, आइए हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन फिलामेंट भी देख लें। स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन फिलामेंट, फिर से सुनो, मायोसिन इज अगेन अ पॉलीमर प्रोटीन। मायोसिन एक पॉलीमेरिक प्रोटीन है, यह भी एक पॉलीमेरिक प्रोटीन है भाइयों। एंड दिस मायोसिन इज मेड अप ऑफ मीरोमायोसिन, मेड अप ऑफ मीरोमायोसिन। और अगर कोई पूछे व्हाट इज मीरोमायोसिन, तब आप बोलना ये कि पॉलीमर है कि मोनोमर? मोनोमर। जैसे मैंने बोला था एफ एक्टिन इज, और उसका मोनोमर जी एक्टिन, याद है? वैसे बेटा मायोसिन का, किसका? मायोसिन का मोनोमर क्या है? मीरोमायोसिन। फिर से बोलो, मीरोमायोसिन, याद रहेगा। अब आगे बढ़ा, कहते हैं सर ये मीरोमायोसिन कैसा दिखता है? बोलते हैं मीरोमायोसिन में तीन पार्ट दिखते हैं। एक तो दिखता है हेड, इट इज हेड। एक दिखती है इसमें आर्म, हेड के साथ दिखती है आर्म, और उसके बाद दिखती है टेल। तो किसी भी मीरोमायोसिन को देखोगे जो मोनोमर है, ये पॉलीमर है कि मोनोमर? मोनोमर। ये तीन पार्ट रखता है, हेड आर टेल। फिर से बोलो, बोलते हैं हेड और आर्म को मिला करके हम लोग, नो, हेड और आर्म को मिला करके बोलते हैं कि ये हैवी मीरोमायोसिन है। कैसी है? हैवी। एंड इसे हम नाम देते हैं एच एम एम, That is known as heavy मीरोमायोसिन। और हम मानते हैं कि इसका मॉलिकुलर वेट बाकी मायोसिन के पार्ट से ज्यादा। बाकी बचती है टेल, और टेल वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं एल एम एम, एंड दैट इज नोन एज लाइट मीरोमायोसिन। तो बचाइए, बताइए मुझे कि मायोसिन इज अ मोनोमर की पॉलीमर? और अभी तक मैंने पॉलीमर बनाया नहीं, अभी तक केवल क्या बनाया? मोनोमर। तो मैं मोनोमर की शक्ल देखता हूं, तो मोनोमर की शक्ल का नाम क्या है? मायोसिन की मीरोमायोसिन। और मीरोमायोसिन खुद में कितने पार्ट में? तीन। बोलो कौन? हेड आर टेल। फिर से बोलो,
हेड आर्म टेल, और हेड और आर्म मिलकर एच एम एम, व्हाट इज एच एम एम, हैवी मीरो मायोसिन, और व्हाट इज एल एम एम, तो कहते हैं ऐसे ऐसे मीरो मायोसिन के दो मोनोमर, दो मोनोमर, पहला मोनोमर और इसके बाद दूसरा मोनोमर आपस में जुड़ करके एक यूनिट बनाते हैं, दे फॉर्म अ यूनिट, अगेन इट इज नॉट अ पॉलीमर, एक यूनिट बनाते हैं जो बार बार अपने आप को रिपीट करेगी। तो बताओ एक मीरोमायोसिन की दो, दो मीरोमायोसिन के पास दो टेल, दो हेड और दो आर्म। अगर मैं ऐसे बोलूं तो आपको क्या क्या दिखाई पड़ेगा, इनके हेड में एक जगह पर दिखाई पड़ेगी साइट, ये वाली साइट, इट इज नोन एज एक्टिन बाइंडिंग साइट। बोलो क्या नाम, केवल रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, किसी को याद है ट्रोपोनिन? ट्रोपोनिन किसी जगह बैठा हुआ है? अगर उसे हटा दिया जाए साइट खाली हो जाएगी? उस साइट पे कौन जाकर जुड़ेगा? मायोसिन। मायोसिन जिस जगह से जुड़ेंगे उसका नाम है एक्टिन बाइंडिंग साइट। फिर से बोलो, और साथ में ये एक एटीपेज नाम का एंजाइम साथ में लेके चलते हैं, और इसका मतलब है इनके पास एटीपी बाइंडिंग साइट भी है। क्या बेटा? एटीपी बाइंडिंग साइट। तो इनके हेड में दो साइट है, बोलो कौन, एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपी बाइंडिंग। अगर मैं इसे अकेले दिखाऊं तो थोड़ा ज्यादा विजिबल होगा, बताओ ये वाली साइट और ये वाली साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट। बताओ इस पूरे पोर्शन का नाम हेड, इसका नाम आर्म, इसका नाम टेल। बताओ ये मीरोमायोसिन का एक मॉलिक्यूल की दो, एक, अरे दो दिख रहा है, और ऐसे एक की दो, दो साथ रहते हैं और एक यूनिट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक की एक यूनिट, और यही यूनिट बार बार आपस अपने आप को रिपीट करते हैं, द सेम यूनिट दे रिपीट देमसेल्फ मल्टीपल टाइम, बहुत बार रिपीट करते हैं। मैं कोशिश करूंगा शायद आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए ये एक मीरोमायोसिन है, मान लीजिए ये एक दूसरा मीरोमायोसिन है, लाइक दिस, ये एक यूनिट है, जहां पर एक यूनिट खत्म हुई वहीं से दूसरे की टेल चालू हुई, ये एक मीरोमायोसिन है, ये दूसरा मीरोमायोसिन है, एक यूनिट दूसरे यूनिट से जुड़ी, फिर दूसरी यूनिट तीसरे यूनिट से जुड़ी, लाइक दिस दिस, फिर तीसरी यूनिट चौथी यूनिट से जुड़ी, लाइक दिस लाइक दिस, फिर चौथी यूनिट पांचवी यूनिट से जुड़ी, और ऐसे जुड़ती चली गई, और बताओ ये मोनोमर बनने लगा कि पॉलीमर? हाँ, पॉलीमर। भाइयों बहनों अब बताओ इस पूरी की पूरी रस्सी का नाम मायोसिन की मीरोमायोसिन, मायोसिन, एंड नाउ दिस इज नोन एज मायोसिन फिलामेंट। बोलो क्या नाम? मायोसिन। और बताओ मायोसिन फिलामेंट इज द मोनोमर और पॉलीमर, और जिसमें क्या बार बार रिपीट कर रही हैं? मीरोमायोसिन की यूनिट्स, मीरोमायोसिन की, मीरोमायोसिन की यूनिट, मीरोमायोसिन की यूनिट आपस में रिपीट कर रही हैं। तो कहते हैं अगर इस एक रस्सी को कॉन्टिन्यूस देखो तो ये रस्सी सीधी दिखेगी, लेकिन इनमें कुछ पोर्शन बाहर निकले हुए दिखाई पड़ेंगे, एंड दीज पोर्शन आर नोन एज क्रॉस आर्म्स। मैंने आर्म्स बोला कि क्रॉस आर्म, और इसीलिए मैंने अभी तक वो स्ट्रक्चर खत्म नहीं किया जो तुमको मैं बिठाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, तुम उसको देखो। मैंने फिर से बोल दिया था, ये मैंने क्रॉस आर्म रखा था कि आर्म, ये क्या था? हेड। ये क्या था? टेल। तो एक मीरोमायोसिन यूनिट का, एक मीरोमायोसिन यूनिट का ये क्या है? टेल। ये क्या है? आर्म। ये क्या है? हेड। दूसरे का भी टेल आर्म है, टेल आर्म है, एक सीधी रस्सी बनाएगा, और इस सीधी रस्सी से कौन बाहर निकले हुए दिखाई पड़ेंगे? हेड। फिर से बोलो, तो उस रस्सी के हेड जो होंगे वो क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म द क्रॉस आर्म, आर्म की क्रॉस आर्म। आर्म होना अलग बात है, क्रॉस आर्म होना अलग बात है, पूरी रस्सी के रेस्पेक्ट में निकलने वाला पुछल्ला क्रॉस आर्म, और मीरोमायोसिन का अपना हेड के बाद वाला पोर्शन आर्म। नहीं आया?
तो बताओ पूरी मीरोमायोसिन की रस्सी में तुमने देखा तो छोटे छोटे लट्टू जैसा स्ट्रक्चर निकल रहा हर जगह, इसका नाम क्रॉस आर्म। और ये LMM से है कि HMM? HMM, तो मायोसिन इज अ मोनोमर और पॉलीमर। तो अगली बार जब मैं पूछूं कि बच्चा मेरे कि तुम ये मुझे बताओ, ये लाइन है एम लाइन, बोलो एम लाइन, और ये मायोसिन है, बोलो क्या है, मायोसिन। तो बताओ ये जो हेड निकले हैं ये क्या है, क्रॉस आर्म। मैं बोलूं अगर ये एम लाइन है तो बताओ ये कौन निकला है, मायोसिन। मोनोमर की पॉलीमर, तो बताओ ये जो निकले हुए हैं ये क्या है, क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म। नहीं आया? आया। और अब बच्चे मेरे अगर मैं तुमसे बोलूं, माँ मेरी मदद करना, अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये जेड लाइन है, बोलो कौन, तो मैं बोलूं कि ये जो फाइबर निकले हुए हैं इनका नाम, एक्टिन में एक लोग की तीन लोग, तीन लोग हैं, बोलो कौन, एफ एक्टिन। और मैं बोलूं कि ट्रोपोनिन फिलहाल नहीं है, ट्रोपोनिन फिलहाल, तो जिस जगह ट्रोपोनिन नहीं है क्या वहां पर एक्टिव साइट है, क्या उस एक्टिव साइट पर आकर, क्या उस एक्टिव साइट पर आकर ये क्रॉस आर्म जुड़ सकती है। तो बताओ ये कौन हुआ, मायोसिन, ये कौन हुआ, एक्टिन। फिर से बोलो, तो क्या एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स है। इस चीज को देख करके, इस चीज को देख करके एक्टिन ने ट्रोपोनिन को दूसरी साइड से हटाया, बताओ दूसरी जगह खाली है, बताओ इस जगह क्या बन चुका है, एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स। फिर से बोलो, इसने कहा कि भैया थोड़ा और सरक लो, तो बोले चलो सरक लेते हैं, तो जेड लाइन थोड़ी सरकी, जैसे ही थोड़ी जेड लाइन सर की ये वाली एक्टिव साइड यहां पहुंची, पहुंच गई yes, और बेटा जो यहां वाली एक्टिव साइड थी यहां पहुंच गई, यस और नो, तो बताओ ये अपनी पोजीशन से अंदर गई yes, एक फिलामेंट दूसरे फिलामेंट पे क्या कर गया, स्लाइड, दैट इज नोन एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। नितिन और हितिन दोनों जल्दी आओ, एक इधर और एक इधर, सी एक दोनों दूर जाओ, इफ दे आर द एक्टिन, बोलो क्या है, actin. ये कौन है, एक्टिन, ये दोनों की बीच की लाइन क्या लाइन है, जेड लाइन, इसकी लाइन की जेड लाइन, बताओ ये फिलामेंट, हाँ एक्टिन फिलामेंट, ये वाला एक्टिन, थोड़ा दूर जाओ बेटा, एक्टिन फिलामेंट, ये वाला एक्टिन फिलामेंट। अच्छा बताओ एक्टिन फिलामेंट में यहां पर एफ एक्टिन होगा, एफ एक्टिन होगा, ट्रोपोमायोसिन होगा, ट्रोपोनिन होगा, ट्रोपोनिन होगा, ओके पिन दो, ओके ट्रोपोनिन पर, ट्रोपोमायोसिन पर बेटा ये बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ, हाँ ट्रोपोनिन, और मैं हूं मायोसिन, कौन हूं, और ये कौन है, क्रॉस आर्म। फिर से बोलो, अब एक एज्यूम और करो कि यहां से भी क्रॉस आर्म निकली, बस एज्यूम करना पड़ेगा, क्रॉस आर्म निकली है। मैंने कहा कि जैसे ही मायोसिन एक्टिन के पास गया उसने ट्रोपोनिन गिरा दिया, क्या गिरा है, ट्रोपोनिन, एक्टिव साइड खाली, ये कौन है लगा, हाँ मायोसिन लगा, नहीं आया, कौन किसके अंदर घुसा, एक्टिन मायोसिन, तो किस कौन बैंड किसके अंदर, आई बैंड जे बैंड, बताओ सार्कोमियर दूर दूर की पास पास, पास पास, बताओ कॉन्ट्रेक्शन की रिलैक्शन, कॉन्ट्रेक्शन नहीं आया, एक बार कहा, मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, पढ़ाने की तैयारी कर रहा हूं, पढ़ाऊंगा मैं फिर बुलाऊंगा, अभी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी मैंने छुई भी नहीं, मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि why there are so many cross arm, यहां पर इतनी सारी क्रॉस आर्म क्यों है, बिकॉज देयर आर सो मैनी एक्टिव साइट, तो बहुत सारी एक्टिव साइट, तो बहुत सारी क्रॉस आर्म, तो मान लो इस जगह एक एक्टिव साइट हो, इस जगह एक एक्टिव साइट हो, इस जगह कर, तो यहां क्रॉस आर्म ने खींचा तो दूसरी जगह फंस गया, उसको खींचा तीसरी जगह फंस गया, नहीं आया, और इस तरीके से एक फिलामेंट किस पे स्लाइड हुआ, दूसरे, कुछ पल्ले बल्ले पड़ रहा है, हाँ
क्योंकि अभी मैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूँ, एक्चुअली अब पढ़ाऊंगा, दोबारा बुलाऊंगा इन लोग को। यस, जल्दी बोलो कितने प्रकार के फिलामेंट है मैंने पढ़ाए थे? हाँ, एक कौन एक्टिन, दूसरे कौन मायोसिन। एक्टिन कितनी चीजों से मिलकर बना है? हाँ, तीन। ये वाला आप बताओ, जो मैं पूछूंगा बता दोगे? वैसे बहुत खराब क्लास जा रही है क्योंकि आप समझने का कम प्रयास कर रहे हो, लेकिन इसको बहुत अच्छी तरीके से। नहीं नहीं, तुम्हारे चेहरे बता देते हैं मुझे। एसी चला दे, चलाओ 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 भैया, चलाओ यार, जो बंद किया था चलाओ। बस बस बेटा रुक जाओ, हाँ तुम लोग एसी के चक्कर में ही रहो, ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कल हम पढ़ाएंगे। अब सुनो, 28 तारीख तक जो क्लासेस हैं शाम की चल रही हैं, उसके बाद आपके लिए खुशखबरी है, केवल शाम की क्लासेस बंद और सुबह की क्लासेस चलती रहेंगी। आप लोग अपना रिवीजन करिए और 14 अप्रैल से फ्री रिवीजन चालू हो जाएगा, तो आप लोग टेंशन मत रहिएगा। जैसे ही जेनेटिक्स खत्म होगी, जैसे ही जेनेटिक्स में शाम को पढ़ाने के मूड में नहीं था ना हूँ, क्योंकि भीड़ बढ़ेगी, इसलिए जेनेटिक्स को दो बैचेस में पढ़ाना पड़ेगा। कितने बैचेस में? तो R1 अलग और R2 अलग, तो वो केवल पॉसिबल है दो अलग अलग बैचेस में, और उसके 135 कर भी नहीं सकते, क्योंकि शाम में अगर दो बैचेस पढ़ाने हैं तो कॉन्टिन्यूस 6 दिन नहीं मिल सकते। शाम में तो 135 और 246 मिलता है, इसलिए 28 तारीख के बाद से जेनेटिक्स जब चालू होगी, या उसके दो चार पाँच दिन के बाद से जेनेटिक्स जब चालू होगी, तो आपको सुबह ही केवल बुलाऊंगा मैं एक बार। और अब उन लोगों की शिकायत खत्म हो जाएगी कि पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि कोर्स भी मेरा खत्म होने को आ गया। तो जेनेटिक्स वाला पोर्शन सुबह, और हम लोग न्यूरोलॉजी वाला पोर्शन भी सुबह पढ़ लेंगे, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, और इसके बाद शाम वाली क्लासेस आपकी खत्म। आप आराम से शाम को खूब रिवीजन करिए। अब छपेड़ा पुलिया मिल मत जाना, क्योंकि मैं टहलता रहता हूँ, ठीक है? क्या चाहिए? तुम बहुत सोते हो, तो आप 28 तारीख तक मेरे साथ हैं शाम को। तो अभी आपको किस दिन आना है? सैटरडे को आना है। आज कौन सा है? थर्सडे। फ्राइडे को वैसे छुट्टी रहती है, और सैटरडे को आपको आना है। सैटरडे के बाद अब आप केवल मॉर्निंग, तो आप लोग केवल 6 दिन आप जेनेटिक्स पढ़ने के लिए सुबह आएंगे, या फिर न्यूरोलॉजी पढ़ने के लिए। अरे बस बस, बहुत दिनों से मैं भी चाह रहा था कि थोड़ा रिलैक्स मिले, और रिवीजन चालू होगा। क्या चालू होगा? रिवीजन। कब से? जेनेटिक्स के बाद। ओके, थैंक यू वेरी मच। नाउ हियर इज अ स्लाइडिंग फिलामेंट ऑफ थ्योरी, इट इज नोन एज मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, इसको समझाने के लिए वी हैव अ थ्योरी दैट इज नोन एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। और ये थ्योरी बताती है कि जब एक फिलामेंट दूसरे फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है तो मसल फाइब्रिल कॉन्टेक्ट होते हैं। मसल फाइब्रिल कॉन्टेक्ट होने की वजह से मसल फाइबर कॉन्टेक्ट होते हैं। मसल फाइबर कॉन्टेक्ट होने की वजह से मसल बंडल कॉन्टेक्ट होंगे। मसल बंडल कॉन्टेक्ट होने की वजह से मसल कॉन्टेक्ट होंगे। तो इस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को बहुत डिटेल में समझने का टाइम है। जिसको भी ये लग रहा है कि नहीं आएगा, वो भी अपना दिमाग दुरुस्त करके बैठे, बहुत आसान है और बहुत आसानी से आ सकते हैं। ओके, स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले आपको ब्रेन तक चलना पड़ेगा, याद रखना, क्योंकि स्केलेटल मसल्स हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में है। किस कंट्रोल में? और हम लोग वॉलंटरी कंट्रोल वाली मसल ही पढ़ रहे हैं इतने दिनों से। हमने पढ़ा था कि तीन प्रकार की मसल हैं, कार्डियक मसल, विसरल मसल और स्केलेट, पर मैंने तीनों मसल डिटेल में पढ़ाने के बजाय केवल कौन सा पढ़ा है? स्केलेट।
तो ब्रेन से वॉलंटरी कंट्रोल की वजह से एक मोटर नर्व के द्वारा मैसेज भेजा जाता है। सो ब्रेन से आपके पास एक नर्व आती है और नर्व एक मैसेज लेकर के आती है वाया एक्सॉन्स, किसके थ्रू? एक्सॉन्स। और एक्सॉन्स के द्वारा जो ये मैसेज लेके आ रही है नर्व, ये जाकर के मसल्स के पास जाकर के रुकती है। लेट सपोज दिस इज द मसल, मान लीजिए कि ये वो मसल्स है जिसे उसे कॉन्ट्रैक्ट करना है। अगर ये मसल है तो आपको मालूम है इसके अंदर बंडल होंगे, मायोफाइब्रिल होंगे, बहुत सारी चीज होंगे। याद रखना, जहां पर नर्व और मसल आपस में जुड़ती हैं उस जगह एक जंक्शन बनता है एंड दैट जंक्शन इज नोन एज NMJ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। फिर से बोलो, दिस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज ऑल्सो नोन एज, अगर मैं इसको सही ढंग से बनाऊं कि ये हमारी नर्व के एंडिंग्स है, एक्सॉन की नर्व एंडिंग है। बेटा एकदम शांत रहोगे तो भी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, फिर तुम कुछ भी कहो। ये मान लीजिए कि एक्सॉन है और नर्व का पोर्शन है मैसेज लेके आया, और ये जो मैसेज आया वो किसी मसल तक पहुंचा। लेट सपोज ये वो मसल है जिसको हमें कॉन्ट्रैक्ट कराना है, दिस इज द मसल। तो यहां पर जो बेटा जो भी जंक्शन बन रहा है इसी का नाम क्या है? न्यूरो जंक्शन, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। इसी को हम लोग मोटर एंड प्लेट बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? मोटर एंड प्लेट। इट इज नोन एज मोटर एंड प्लेट्स। याद रखना, ये आने वाली नर्व जो है ये एक्सॉन की बनी है। जब तक नर्वस सिस्टम ना पढ़ लो तब तक एक्सॉन थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन आप मान के चलो कि नर्व का एक फाइबर है, नाम बताओ एक्सॉन। बातें मत करो बेटा। एक्सॉन के टर्मिनल में प्रेजेंट है एक्सॉन टर्मिनल। बोलो क्या? एक्सॉन। और एक्सॉन टर्मिनल के पास प्रेजेंट है वेसाइकल्स। बोलो क्या? वेसाइकल्स। अभी मैं पूछूंगा, जवाब आपको देना पड़ेगा। प्रेजेंट है वेसाइकल्स। फिर से बोलो। और जैसे ही मैसेज बेटा इन वेसाइकल तक पहुंचता है, किस तक? वेसाइकल। छोड़ो, फिर से बोलो, किससे मैसेज आया? कौन से एग्जॉन से? नर्व। कैसी नर्व? मोटर नर्व। आपकी बॉडी में दो प्रकार की नर्व है, जो स्टिमुलस को ब्रेन तक ले जाए सेंसरी, फिर से बोलो, और जो काम करने के लिए आए मोटर, जो मसल को कांटेक्ट कराए मोटर, जो मसल का स्टिमुलस ले जाए सेंसरी। तो जो मसल को कांटेक्ट करने वाली नर्व है इसका नाम है मोटर नर्व। मोटर नर्व एक वॉलंटरी मैसेज लेके आई, तुमने कहा मुझे अपना हाथ मोड़ना है, मन में सोचा और मुड़ गया। हाथ मोड़ने के लिए तुमने एक नर्व का संदेश उस मसल तक पहुंचाया, मसल पे जाकर नर्व जैसे जुड़ी उसने बनाया मोटर एंड प्लेट, ऑल्सो नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मोटर एंड प्लेट के पास प्रेजेंट है एक्सॉन टर्मिनल। फिर से बोलो। एक्सॉन टर्मिनल के पास है वेसाइकल। बोलो क्या? वेसाइकल। और इन वेसाइकल में प्रेजेंट है एसिटाइल कोलीन। बोलो। इट इज नोन एज न्यूरो हार्मोन, दैट इज नोन एज एसिटाइल कोलीन। फिर से बोलो। और जैसे ही एसिटाइल कोलीन नाम का बेटा ये न्यूरो हार्मोन मसल्स के ऊपर छोड़ा गया, मसल ने पैदा किया बेटा, मसल ने पैदा किया इंपल्स। बोलो क्या पैदा किया? इंपल्स। और इंपल्स पैदा होते ही मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए तैयार हुई, क्योंकि इंपल्स पैदा होते ही यहां पर प्रेजेंट है ER, जिन्हें हम लोग बोलते हैं SR। व्हाट इज SR? बोलो। तो एसिटाइल कोलीन का मैसेज जैसे कहां पहुंचा? कहां पहुंचा? मसल। बताओगे नहीं तो मरोगे। कहां पहुंचा? मसल। तो मसल में किसने ये मैसेज पहुंचाया? किसने पहुंचाया? एसिटाइल कोलीन। फिर बोलो। और एसिटाइल कोलीन का मैसेज जैसे ही पहुंचा मसल तक, मसल क्या ने क्या जनरेट किया? इंपल्स। फिर से बोलो। मसल इंपल्स जनरेट करी, और इंपल्स जनरेट करने की वजह से यहां पर ER एक्टिवेट हुए। व्हाट इज ER? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर से बोलो। और मसल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम क्या था? सार्कोप्लाज्म। और इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अचानक एकदम बम विस्फोट जैसा कैल्शियम निकला। क्या निकला? कैल्शियम। थोड़ा की बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा।
बस्टिंग ऑफ कैल्शियम बोलते हैं, बस्टिंग ऑफ कैल्शियम, बहुत ज्यादा कैल्शियम निकल पड़ा। और ये जो बस्टिंग ऑफ कैल्शियम है, इसने ट्रोपोनिन ढूंढना चालू किया। किसको ढूंढना चालू किया? ट्रोपोनिन। और शायद तुम्हें ट्रोपोनिन याद है कहां पर है? एफ एक्टिन पर है। अभी समझदारी की तुम्हारी पराकाष्ठा है, अगर अभी समझदारी गड़बड़ की तो फिर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी नहीं आएगी, अभी नहीं आएगी। यहां तक मुझे समझाओ, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन, किस कौन सी मसल? कार्डियक मसल, विसरल मसल, स्केलेटल मसल हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में है। कौन कंट्रोल कर रहा? ब्रेन। ब्रेन मैसेज भेज रहा किस नर्व में? मोटर नर्व मसल ले गई कहां तक? मसल तक। नर्व ले गई मसल तक मैसेज बाई नर्व और मसल का जंक्शन, नाम बताओ? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में नर्व एंडिंग्स, बोलो, ऑल्सो नोन एज एक्सॉन टर्मिनल्स, फिर बोलो, उनमें क्या प्रेजेंट है? वेसाइकल्स। वेसाइकल के अंदर एसेटाइल कोली, जैसे ही मैसेज नर्व ने दिया कहां पर पहुंचा? वेसाइकल। क्या टूटे? वेसाइकल। वेसाइकल टूटने से क्या निकला? एसेटाइल कोलीन। फिर बोलो, एसेटाइल कोलीन कहां से निकला? नर्व से। कहां पहुंचा? मसल में। इट इज नोन एज नर्व टू मसल। मसल में क्या पैदा हुआ? इम्पल्स। फिर से बोलो, तो इम्पल्स पैदा करने वाला हार्मोन कौन है? एसेटाइल कोलीन। और जैसे ही इम्पल्स पैदा हुआ इस मसल के अंदर, मसल के अंदर, क्योंकि इसका नाम है सार्कोलेमा, सार्कोलेमा के अंदर सार्कोप्लास्ट, सार्कोप्लास्ट के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर से बोलो, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवेट हो गया, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवेट होते ही क्या निकली? कैल्शियम। बताओ कैल्शियम कहां निकली है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो मैं ऐड करके पीछे जा रहा हूं और मुझे बताने की कोशिश करना। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या निकाल दिए हैं? बोलो क्या निकाल? कैल्शियम। अब कैल्शियम चिल्लाते हुए घूम रही कि अब मुझे ट्रोपोनिन मिल जाए तो उसकी खैर नहीं। तो किसी ने कहा तुम कैल्शियम को कहां, कैल्शियम तुम ट्रोपोनिन को कहां ढूंढ रही हो? तुम देखो इस लाइन का नाम जेड लाइन है। क्या नाम है? इस लाइन का नाम जेड लाइन है। और तुम्हें मालूम नहीं कि यहां पर तीन फाइबर है, याद है? तीन क्या? दो फाइबर है। किसके? एफ एक्टिन। एफ एक्टिन के हैं और दो फाइबर है ट्रोपोमायोसिन। फिर से बोलो, और इसी ट्रोपोमायोसिन के ऊपर, बोलो किसके ऊपर? ट्रोपोमायोसिन के ऊपर। बोलो है? बताओ ट्रोपोमायोसिन के ऊपर कौन बैठा हुआ है? ट्रोपोनिन बैठा हुआ है। तो उसने कहा ये जो ट्रोपोनिन बैठा है ये मेरी एक्टिव साइट पर नहीं बैठा, ये कहीं पर भी बैठा हो मैं इसको छोड़ने वाली नहीं। कौन बोला? कैल्शियम। और कैल्शियम कहां से निकला? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या ये सेल के अंदर की बात है? बताओ ये क्या नाम है? सार्कोलेमा। ये क्या है? सार्कोप्लाज्म। क्या निकला? कैल्शियम। कैल्शियम ने किसे अट्रैक्ट किया? ट्रोपोनिन। और उसने ट्रोपोनिन के साथ एक बेटा कॉम्प्लेक्स बनाया, दैट इज नोन एज कैल्शियम ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। फिर से बोलो, और कैल्शियम ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स बनते ही बताइए ट्रोपोनिन बेटा किसे छोड़ के बाहर हो गया? किसको छोड़ के बाहर आ गया? ट्रोपोमायोसिन। और उस जगह क्या खाली हो गई? एक्टिव साइट। क्या खाली हो गई? एक्टिव साइट। और अगर एक्टिव साइट खाली हो गई तो इसी का तो इंतजार कौन कर रहा था? मायोसिन। अगर इधर खाली है तो इधर भी खाली है, सब जगह पर ये एक्टिव साइट खाली है। और एक्टिव साइट अगर खाली है तो भाई बचना नहीं, और बताना मुझे, बताना ध्यान से, बताओ ये वाली लाइन का नाम एम लाइन है और आपको मालूम है ये है मायोसिन और इसका नाम क्रॉस है, इसका नाम क्रॉस आर्म, इसका नाम क्रॉस आर्म, इसका नाम क्रॉस, और क्रॉस आर्म इसी का तो इंतजार कर रही थी, क्योंकि इस जगह कौन बैठा था और क्यों ले गया? कैल्शियम। तो अगर नर्व इंपल्स ना आया होता, नर्व इंपल्स एसिटाइल कोलीन ना निकलता, एसिटाइल कोलीन, एसिटाइल कोलीन ना निकलता, इंपल्स इंपल्स ना बनता तो एसआर एक्टिवेट, एसआर एक्टिवेट ना होते तो कैल्शियम,
और कैल्शियम ना निकलता तो कैल्शियम ट्रोपोनिन से रिएक्शन ना और क्रोलसियम ना करता तो एक्टिसाइड खाली लेकिन इसका उल्टा हुआ नर्व इम्पल्स आई एसिटीन कोलिन निकला इम्पल्स बना एस आर ने निकाले कैल्शियम ने किसके साथ रिएक्शन किया ट्रोपोनिन ट्रोपोनिन के साथ करते ही कैल्शियम ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स और जैसे कैल्शियम ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स बना क्या खाली हो गया एक्टिव साइट और एक्टिव साइट को देख करके भैया आपका मायोसिन क्या उस एक्टिव एक्टिन के साथ जुड़ गया कौन सा कॉम्प्लेक्स बना एक्टो मायोसिन कॉम्प्लेक्स फिर से बोलो और इस एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स को बनना इतना आसान नहीं है आपकी एनसीईआरटी ने इसको भी डिटेल में समझाया कि कैसे एक्टोमायोसिन बनता है अगर तुम एज्यूम कर सकते हो गुरु तो बस कर पाओगे नहीं तो नहीं कर पाओगे मान लो ये हेड है और ये किसको पकड़ लिया गया लेट सपोज मैं मायोसिन हूं उधर खड़े हो और मेरी तरफ मुंह करके खड़े हो दूर जितना खड़े हो सकते यस और ये अगर जगह थी जिसका नाम था ट्रोपोनिन बोलो क्या नाम और यहां पर क्या थी एक्टिव साइट और ये कौन है मायोसिन फिर से बोलो तो मायोसिन हेड ने कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाया एक्टो मायोसिन कॉम्प्लेक्स फिर से बोलो ये हाथ लगाओ ये दूसरी एक्टिव साइट है कौन सी एक्टिव साइट है दूसरी ये पहली एक्टिव साइट है इसमें ट्रोपोनिन था कौन था ट्रोपोनिन पक्का और ये दूसरा हेड है ये दूसरा हेड मैं कौन हूं ये कौन है तो मैंने इसको बुलाया और इसमें जोड़ा और इसको इसके साथ जोड़ा नहीं आया आगे फिर मैं इसको जोड़ूंगा और इसे अपनी तरफ बुलाता जाऊंगा कौन किसके ऊपर स्लाइड कर रहा है एक्टिन के एक्टिन किसके ऊपर मायोसिन मायोसिन अपनी जगह से हिला नहीं है कौन आता जा रहा है एक्टिन फिर से देखो इट इज एक्टिन यहां पर कौन था ट्रोपोनिन था ये कौन है क्रॉस हेड ये भी क्या है क्रॉस आर्म फिर से बोलो क्रॉस आर्म है बताइए ये क्रॉस आर्म थी ये क्रॉस आर्म थी इस क्रॉस आर्म ने इसको पकड़ा तो इसने इसको नहीं आया अगली क्रॉस आर्म उसको पकड़ेगा और जितनी एक्टिव साइड होंगी एक एक करके अंदर आती चली जाए नहीं आया अभी भी नहीं आया आया तो कौन सी लाइन मारने लगेगी जेड लाइन किस तरह की तरफ एम लाइन कौन से बैंड की तरफ डार्क बैंड हाँ तो इधर भी एम लाइन होगी इधर भी एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बनेगा इधर की जेड लाइन भी अंदर घुसने लगेगी किस बैंड के अंदर डार्क बैंड क्योंकि जहां जहां तक मायोसिन वहां वहां तक डार्क तो मैंने लाइट बैंड को पूरा किधर बुला लिया डार्क बैंड और डार्क बैंड बेटा किस लाइट बैंड कहां घुस गया डार्क बैंड बताओ लाइट बैंड बचा कि नहीं बचा नहीं तो दो जेड लाइन दूर थी कहां गई पास नहीं आया आया तो कौन किसके ऊपर स्लाइड किया तो बोलते हैं सर जी ये क्रॉस हेड का एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बनना भी बड़ा बहुत बड़ी बात है कैसे बनता है आइए उसके भी स्टेप बुक ने दिखाए चलिए सारे लोग ये बुक के स्टेप को ध्यान से देखेंगे बोलते हैं कि सर जी अगर मायोसिन के सॉरी एक्टिन के फिलामेंट आप देखते हैं तो इन एक्टिन के फिलामेंट के पास एक्टिव साइट प्रेजेंट है क्या प्रेजेंट है एक्टिव साइट और उसी समय पर आप यहां पर मायोसिन का हेड देखते हैं ये मायोसिन का हेड देखते हैं ऐसे मायोसिन के बहुत सारे हेड हैं और किसी ने बताया था मायोसिन के हेड में दो साइट किसी को याद है कुछ याद नहीं है याद है बोलो क्या नाम था एक्टिन बाइंडिंग साइट फिर से बोलो क्या यहां पर एक्टिन बाइंडिंग साइट है क्या यहाँ एटीपेज भी है तो बताओ ये वाली साइट किसके साथ जुड़ेगी एक्टिन पर एक्टिन के साथ जुड़ने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है एटीपी फिर से बोलो और एटीपी नहीं एटीपी का डिसोल्यूशन एटीपी का इसका मतलब एटीपी टूट चुका होना चाहिए एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फिर से बोलो
तो जब एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट आपस में टूट चुके होते हैं तभी ये कॉम्प्लेक्स बनता है, नाम बताओ, एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। फिर से बोलो, फिर से सुन लो, कौन सा कॉम्प्लेक्स? एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। पेज नंबर में बता दे रहा हूं, बाकी तुम देख लो, वो वाला छोटा वाला तो बड़ा वो भी है, पेज नंबर 307। तो जब तक एडीपी और फॉस्फेट है तब तक बॉन्ड बना नहीं है, जैसे ही एडीपी फॉस्फेट बन चुका वैसे ही बेटा क्रॉस बैंड बन गया, क्रॉस बैंड का नाम क्या है? एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। फिर से बोलो, और एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स ने इसे जर्क दिया, अगर इधर से आया है तो इधर की तरफ इधर से लाइन होगी, अगर इधर से आया तो इधर की तरफ जर्क देगा, तो कौन सी आर्म जर्क देगी? क्रॉस। फिर से बोलो, तो क्रॉस आर्म जर्क कब देगी? जब एटीपी का क्या हो गया? डिसॉल्यूशन। क्या हुआ? डिसॉल्यूशन करके उसने क्या बनाया? एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अगला पॉइंट, अगला डायग्राम, जब ये हो चुका होगा तो अगला डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। हेड इस समय पर आपकी एक्टिन के साथ जुड़ चुका है, किसके साथ जुड़ चुका है? एक्टिन, दिस एक्टिन के साथ। अगला पॉइंट, क्योंकि यहां पर एटीपी का डिसॉल्यूशन हो चुका है, और जैसे ही डिसॉल्यूशन हो चुका है हेड ने जर्क देना चालू किया है, जैसे ही जर्क देना चालू किया है इसका मतलब हेड जिस पोजीशन में था उस पोजीशन से दूसरी तरफ खींचा है, और किसे खींच लाया है? एक्टिन। फिर से बोलो, और जैसे ही एक्टिन को यह खींच लाया है तो एक्टिन बेटा एक्टिव साइड के साथ खींच के चली गई, और जैसे ही बेटा इसने खाली कर दिया तो अगली पोजीशन क्या होगी? अगर मैं इसी पोजीशन को बनाऊं तो ये जर्क करके इस वाली साइड को आगे बढ़ा चुका है, तब तक उसे दूसरी साइड दिख गई। किसकी? अब दूसरी साइड दिख गई तो अब इसे पहली साइड छोड़ करके दूसरी साइड पे जाना है। प्लीज इसे समझने की कोशिश करो, मेरे पास मोशन पिक्चर नहीं है। अगर मैं इस साइड को पकड़कर आगे खींच दूं तो पूरा का पूरा एक्टिन फिलामेंट आगे चला जाएगा, और अगर एक्टिन फिलामेंट आगे चला जाएगा तो जो पीछे वाली साइट है वो कहां आएगी? आगे। और अगर आगे साइट आ गई और मेरे रीच में तो मुझे पुरानी वाली साइट को छोड़कर पीछे वाली साइट को पकड़ना पड़ेगा। कहते दोबारा इस क्रॉस बैंड को तोड़ने के लिए। फिर से बोलो, अब आपको यहां पर भेजने पड़ेंगे नए एटीपी। बोलो, और जैसे ही एटीपी जुड़ेगा, बोलो फिर से बोलो, जैसे ही एटीपी जुड़ेगा क्रॉस बैंड टूट जाएगा, यानी एक्टिव साइड जो भी पहुंची थी क्रॉस बैंड टूट चुका है मायोसिन का, क्योंकि उसमें एटीपी जुड़ गई है। और अगर क्रॉस बैंड टूट चुका है तो नई एक्टिव साइड खाली हो चुकी है, नई एक्टिव साइड खाली हो चुकी तो पुराना वाला एक्टिव साइड आगे बढ़ा दिया गया है, जिसे दूसरे क्रॉस बैंड ने, दूसरे हेड ने पकड़ लिया। यस और नो? अब इस हेड में क्या जुड़ चुका है? एटीपी। लेकिन एटीपी जुड़ने से नया बैंड बनता नहीं है, बल्कि एटीपी जुड़ने से पुराना बैंड टूटता है। अब ये एटीपी फिर से क्या करेगा? डिसॉल्व। क्या होगा? डिसॉल्व। कितने पाम में? एडीपी और इनऑर्गेनिक फिर से क्या बनेगा? क्रॉस में, और फिर से इसे आगे खींचा जाएगा। तो एक फिलामेंट दूसरे फिलामेंट पे क्या करेगा? स्लाइड। एंड दिस इज नोन एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। किसको नहीं आया? एक बार और आओ भाई नितिन, फिर से, क्योंकि अब बेटा केवल इसे ऐसे ही समझाया जा सकता है। सी, आपको दो एक्टिव साइट क्रिएट करनी है, दो। हाँ, आप यहीं रहना। ये क्या है? एक्टिन। हाँ, एक्टिव साइट। ठीक है, ठीक है, ये एक्टिव साइट है। ये क्या है? एक्टिव साइट। इसमें कौन बैठा? इसमें कौन बैठा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से क्या है? एसिटाइल कोलिन। क्या निकले? कैल्शियम। क्या ले गए? ट्रोपोनिन। क्या बनाया? अच्छा बताओ, पक्का? अच्छा बताओ, ये क्या है? मायोसिन। प्लीज अभी सोचिएगा, इस मायोसिन में एटीपी है, लेकिन एटीपी के फॉर्म में कि एडीपी और इनऑर्गेनिक। जैसे ही एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना, एडीपी और क्या बन गया? क्रॉस। हाँ, फिर से बोला। अब मेरा केवल यही हाथ देखना, क्योंकि मैं एक को दिखाऊंगा, एक के साथ दो देखोगे तो दोनों नहीं समझ पाओगे। एक ही क्रॉस आर्म देखो,
जैसे ही क्रॉस आर्म बनी, क्या बनी? क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म होने की वजह से क्रॉस आर्म बनी। क्रॉस आर्म बनते ही हेड ने जर्क मारा। हेड ने कौन सी आर्म ने? मायोसिन हेड ने। मायोसिन हेड ने जर्क मारा तो बताओ पूरा फिलामेंट स्लाइड हुआ इस जर्क की वजह से? लेकिन ये अलग नहीं, अब अलग नहीं हुआ, लेकिन जिस जगह ये हुआ करता था, ये वो जगह मैं ये वो जगह देख रहा हूँ, उस जगह नई एक्टिव साइट आ गई है। देखिए मैं वही जगह पे हाथ रखा हुआ हूँ, ये वो जगह है जहां पर एक्टिव साइट हुआ करती थी, यस और नो? अब इस जगह से मैंने जर्क मांगा तो बताओ नई एक्टिव साइट उस जगह आ गई जहां पर मेरा हेड हुआ करता था। लेकिन मुसीबत ये है कि जब तक मैं इसको नहीं छोड़ता, इस पर बॉन्ड नहीं बनता, तो याद रखना अब मुझे क्या चाहिए? नई एटीपी। फिर बोलो। तो जैसे नई एटीपी जुड़ी, क्या टूटा? क्रॉस बैंड, हाँ? और तुरंत मैंने दूसरा पकड़ लिया। तो फिर इसका क्या हुआ? इसका आगे वाले के पास पहुंच गया। अब फिर ये क्या मारेगा? एटीपी से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, क्योंकि एटीपी जुड़ने से बैंड टूटता है और एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनने से बैंड बनता है। और जैसे ही बना फिर मैंने इसको खींचा, कोई नया साइड खाली होगा, और इस तरीके से मैं इसे खींचता रहा। नहीं आया? प्लीज सी दिस अगेन। ये क्या है? हाँ, ये क्या है? एक्टिव साइट। ये वाला मायोसिन, ये वाला मायोसिन। अभी सुनना, मायोसिन एक्टिन के सामने है, लेकिन जब तक ब्रिज नहीं बनेगा, जब तक एटीपी एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ना टूट जाए। जैसे एटीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी में टूट गए, क्या बना? बस यही सीख लोगे, क्या बना? क्रॉस। इस समय एटीपी है कि नहीं है? है। इस समय मेरे पास एटीपी है लेकिन क्रॉस ब्रिज नहीं है। क्यों? क्योंकि एटीपी से क्रॉस ब्रिज नहीं होगा। एटीपी के एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पे बनता है क्योंकि उससे क्या निकलेगी? एनर्जी। बताओ इस समय मेरे पास एटीपी है लेकिन बेटा बॉन्ड नहीं। एटीपी टूटी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना, क्या बना? बॉन्ड। आप इस समय बताओ एटीपी है कि एडीपी? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज कर लिया मैंने, जर्क मारा तो बताओ क्या ये मेरे पास आ गया? लेकिन इस समय जहां मेरा हाथ हुआ करता था वहां पर नई साइड खाली हो गई है, लेकिन उस साइड को पकड़ने के लिए मुझे क्या चाहिए? एडीपी। और मेरे पास है क्या? एडीपी। तो मुझे नई एटीपी दी गई। जैसे नई एटीपी गई मैं उस दूसरी जगह पे पहुंच गया, लेकिन क्रॉस बैंड नहीं बना। कब बनेगा? जब वो एटीपी एडीपी और इनऑर्गेनिक फिर मैं पकड़ लूंगा, फिर क्रॉस ब्रिज मारूंगा और फिर आगे पहुंचूंगा। फिर मुझे छुड़ाने के लिए क्या चाहिए? एटीपी। छुड़ाने के लिए और क्रॉस आर्म बनाने के लिए एडीपी और इनऑर्गेनिक। फिर पकड़ लिया, फिर आगे खींच लिया, पूरा का पूरी जेड लाइन किसके अंदर घुस गई? मेरे मायोसिन। और मायोसिन इज आइसोट्रॉपिक एन आइसोट्रॉपिक। तो बताओ अभी लाइट बैंड बचा कि नहीं बचा? नहीं बचा। क्या बचा? डार्क बैंड। तो इनका सेंटर क्या है? जेड लाइन। इनका सेंटर जेड लाइन, और दोनों जेड लाइन आसपास आ गई और किसके अंदर आ गई? ये मायोसिन बैंड डार्क की लाइट। बताओ जेड लाइन पास आ गई तो कॉन्ट्रेक्शन की रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रेक्शन। और जिस दिन भी मैं इसे छोड़ूंगा क्या मेरे क्रॉस आर्म टूट जाएंगे? क्यों क्रॉस आर्म टूटेंगे? कि कुछ देर तक स्टिमुलस रखने के बाद, कुछ देर एसआर काम करना बंद कर देगा। व्हाट इज एसआर? सारकोप्लाज्म। जो कैल्शियम थे वापस लौट जाएंगे, कैल्शियम वापस लौट गए तो एक्टिव साइट फिर किससे जुड़ जाएगी? ट्रोपोनिन। और हेड फिर से खा ले। रिलैक्सेस। ये कौन है? मायोस है। ये कौन है? एक फिलामेंट दूसरे फिलामेंट पे क्या करा? स्लाइड। और इसी का नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। कौन अपनी जगह से हिला भी नहीं? कौन हिला? एक्टिन स्लाइड ओवर मायोसिन फिलामेंट। नहीं आया? और इसको बनाने के लिए क्या चाहिए? मायोसिन एक्टिन एटीपी। बोलो एटीपी। बताओ बॉन्ड बनाने के लिए एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, बॉन्ड तोड़ने के लिए
एडीपी एटीपी। और इसको मैं पढ़ना चाहूंगा बुक, मेरी बुक उठा दो और फिर जाओ बैठो। इधर का आया बहुत सारे क्रॉस हेड है बेटा। नहीं नहीं, एक इधर का, दूसरा मायोसिन की लाइन दूसरे को नहीं कॉन्टेक्ट कर रहे हो तो बेटा पूरा कॉन्टिन्यूअस साइमल्टेनियस कॉन्टेक्शन होगा। 10 लोगों को खड़ा करो, 10 मायोसिन, एक मुझे खड़ा करो, एक और खड़ा करो, एक और खड़ा करो, सब अपने अपने अगल बगल वाले को खींचे तो मैं नहीं हिलूंगा, पर एक्टिन किसमें घुसती जाएंगी, मायोसिन। सी ये नहीं चलेगा। अच्छा, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ने के बाद मैं छोड़ता हूं, जल्दी पढ़ो। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्टेक्शन, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्टेक्शन बेस्ट एक्सप्लेन बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी which states that contraction of muscle fiber takes place by sliding of thin filament over thick filament. कौन किसके ऊपर? Thin किसके ऊपर? Thick. Thin कौन था? और thick कौन था? Myosin. आगे. Muscle contraction is initiated by a signal sent by central nervous system. What is central nervous system? Brain. By a motor neuron. मोटर न्यूरॉन अलॉन्ग विद द मसल फाइबर कनेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूट अ मोटर यूनिट। क्या बनाती है? मोटर। द जंक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्ले। ए न्यूरल सिग्नल रीचिंग द जंक्शन रिलीज द न्यूरो ट्रांसमीटर, नाम है एसिटाइल कोलिन, विच जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोलेमा। This spread through the muscle fiber cause the release of calcium ion into the sarcoplasm. किसने निकाला? Sarcoplasmic reticulum. Increased calcium level lead to binding of calcium with subunit of troponin. क्या बनाया? Calcium troponin complex. कौन खाली? Tropomyosin की active site. आगे चलो। सब यूनिट ऑन ट्रोपोनिन एक्टिन फिलामेंट देयर बाय रिमूविंग द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस मायोसिन हैड नाउ बाइंड टू एक्सपोज एक्टिव साइट ऑन द एक्टिव एक्टिन टू फॉर्म क्रॉसब्रिज। कब क्रॉसब्रिज बनेगा? एटीपी जुड़ने से कि हाइड्रोलिसिस? हाँ फिर से बोलो, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। एटीपी की जब हाइड्रोलिसिस होगी, और हाइड्रोलिसिस का मतलब एडीपी और इनऑर्गेनिक, जब ऐसा होगा तो रख दो बेटा, बहुत बड़े तुम एसिम नहीं रहे हो, हम भी पढ़ा रहे, छोड़ते हैं अभी 5 मिनट में, बंद हो गया तो क्या किया जाए? मैंने तो चलने के लिए बोला था, बच्चा बीमार हो गया, तुम्हारा बैड लक है। द मायोसिन हैड नाउ बाइंड टू द एक्सपोज एक्टिव साइट एंड फ्रॉम द क्रॉसब्रिज। तो क्रॉसब्रिज कब बनेगा? एटीपी से क्या हाइड्रोलिसिस ऑफ, उसी के ठीक नीचे वाला है डायग्राम, देखो ठीक नीचे वाला डायग्राम एडीपी और फॉस्फेट है, अब क्रॉसब्रिज बनने वाला है। अगला पॉइंट क्रॉसब्रिज, राइट हैंड साइड पे क्रॉसब्रिज, और क्रॉसब्रिज जब बन चुका है तो उसे तोड़ने के लिए एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को निकालना पड़ेगा। तो तीसरे डायग्राम में एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल गया और क्रॉस ब्रिज तोड़ा किसने? एटीपी। तो कौन तोड़ेगा ADP. और कौन बनाएगा? एटीपी की हाइड्रोलिसिस। आगे की लाइन पढ़ रहा हूं, दिस पुल्स द अटैच एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स ए बैंड। व्हाट इज ए बैंड? लाइट की डार्क, तो डार्क बैंड की तरफ किसे खींचा गया? एक्टिन फिलामेंट को। व्हाट इज ए बैंड? डार्क। किसको खींचा गया? एक्टिन फिलामेंट। आगे, द जेड लाइन अटैच टू दीज एक्टिन आर ऑल्सो पुल्ड इनवर्ड देयर बाई कॉजिंग द शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर। दोनों तरफ की जेड लाइन पास आने लगी, क्या हो गया? सार्कोमियर। इस बच्चे की सबसे बड़ी समस्या है कि ये वाली दोनों जेड लाइन तो पास आ गई, लेकिन आगे वाला मायोसिन तो अपनी तरफ खींच रहा होगा। यस, तो ये फाइबर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पीछे आएंगे, मैं मायोसिन, दूसरा मायोसिन, तीसरा मायोसिन, और सारे मायोसिन अपनी अपनी एक्टिन को खींच रहे, तो सारी एक्टिन अपने एक नेट वेक्टर की वजह से किसके? अपने अपने जेड, अपने अपने ए बैंड की तरफ एंट्री कर रही हैं। याद रहेगा? यस। आगे चलो, नहीं आया? आ गया, ओके। This cause shortening of sarcomere is contraction. It is clear from the above step, during the shortening of the muscle contraction, the eye band get reduced. कौन सा band reduce हो गया? Eye band. Why?
क्योंकि आई बैंड बनता था एक्टिन से, और एक्टिन कहां घुस गए, मायोसिन, और मायोसिन के अंदर घुस गए तो ओवरलैप हो गए, क्या हो गए, ओवरलैप। प्रतीक्षा तुम्हारी बुद्धि गई, तो ओवरलैप हो गए, अगर ओवरलैप हो गए तो अब ये आई बैंड नहीं है, ये क्या है, ए बैंड। जब तक वो ओवरलैप नहीं थे तब तक क्या थे, आई बैंड। तो बताओ आई बैंड किस में घुस गया, ए बैंड, और सार्कोमियर छोटी हो गई। आगे सुनो, द मायोसिन रिलीज द एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गोज बैक टू इट्स रिलैक्स स्टेट। रिलैक्स स्टेट में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडीपी और इनऑर्गेनिक, एंड न्यू एटीपी, इसको अंडरलाइन करना, अ न्यू एटीपी बाइंड एंड क्रॉस ब्रेजेस ब्रोकन। बताओ एटीपी हाइड्रोलिसिस की बाइंडिंग, बाइंडिंग होते ही क्या हुआ, क्रॉस ब्रेज ब्रेक हो गया। पर आगे सुनो, इसका मतलब एटीपी जुड़ने से क्रॉस ब्रिज बनता है कि टूटता है। आगे सुनो, द एटीपी इज अगेन हाइड्रोलाइज बाय द मायोसिन हेड एंड द साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड ब्रेकेज इज रिपीटेड कॉजिंग फर्दर स्लाइडिंग। मेन समस्या यही है कि एटीपी जब आकर हेड में जुड़ेगा, एटीपी जब आकर हेड में जुड़ेगा, उस समय पर वो पुराने क्रॉस ब्रिज को छोड़ रहा होगा, हाँ छोड़ देगा, और जब एटीपी की क्या होगी, हाइड्रोलिसिस, तो वो नए क्रॉस ब्रिज को बनाए, और ये चलता रहेगा, तोड़ना बनाना, तोड़ना बनाना, तोड़ना बनाना, और किसे खींचना, एक्टिव सा, और जिसको खींचा वो दोबारा वापस नहीं जा पाएगा, उसके बाद वाले को खींचा, और इस तरीके से क्या पास आने लगेंगे, जेड लग। प्लीज आप लोगों के मैसेज ऑलमोस्ट मुझे मार देते हैं, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो मुझे हाथ उठा के बताओ। जब आप लिख देते हो सर समझ में नहीं आया, तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा और टाइम बिताता शायद आ जाता। अभी आ गया, कौन सी हाइपोथेसिस, स्लाइडिंग फिल्म, कौन किस पे स्लाइड हुआ, थिन थिक पर कि थिक थिन पर। और जो लोग ये नहीं समझ पा रहे वो बेकार हैं। बताओ जब मायोसिन एक्टिन पर जुड़ेगा, किस पर, मायोसिन एक्टिन पर जुड़ेगा, उसके लिए क्या क्या चाहिए, एटीपी, एक्टिन, मायोसिन, कैल्शियम चाहिए। मैं छोड़ रहा हूं आज, जल्दी छोड़ रहा हूं। बताओ कहां से मैसेज आया, एग्जॉन, एग्जॉन टर्मिनल पर आया, एग्जॉन टर्मिनल पर आते ही क्या निकला, एसिटाइल कोलिन मसल में गया, सार्कोलेमा पे गया, सार्कोलेमा ये मैसेज किसको ले गई, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या निकले, कैल्शियम, कैल्शियम आए, ट्रोपोनिन के पास गए, क्या बनाया, ट्रोपोनिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, एक्टिव साइट खाली हो गई, मायोसिन आया, उसने कहा मुझे एटीपी चाहिए, एटीपी आया, उससे कुछ नहीं होगा, एटीपी की क्या हुई, हाइड्रोलिसिस, फिर बोलो, हाइड्रोलिसिस होते ही क्या बन गया, क्रॉस ब्रिज, फिर बोलो, क्रॉस ब्रिज बेटा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होते ही बेटा याद रखना एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। अब इसे करना है रिलैक्स, क्या करना है, रिलैक्स, क्या छोड़ना पड़ेगा, एडीपी और इनऑर्गेनिक, ये रिलैक्स होने लगा, और रिलैक्स होते समय इसको चाहिए क्रॉस ब्रिज तोड़ना, क्रॉस ब्रिज तोड़ना, और ऐसे टूटने वाला तो पुराना एडीपी निकल गया, नया एटीपी आया, जैसे नया एटीपी आया क्रॉस ब्रिज टूट गया, एटीपी होने से कुछ नहीं होगा, फिर से इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, नई एक्टिव साइट को पकड़ेगा, खींचेगा, पकड़ेगा, खींचेगा, और खींचते खींचते पूरी जेड लाइन को पास ले, अभी भी नहीं आया, कौन किस पे स्लाइड किया, एक्टिन किस पर, मायोसिन। बोलते हैं इस पूरे फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एटीपी चाहिए, क्या चाहिए, और आपको एटीपी के लिए ऑक्सीजन चाहिए, क्या चाहिए, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन से की प्रेजेंस में क्या होगा, रेस्पायरेशन, फिर से बोलो, तो जितनी ज्यादा उतना ज्यादा एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स, लेकिन इस ऑक्सीजन को पकड़ने के लिए एक पिगमेंट चाहिए, और बताओ ब्लड में चाहिए कि मसल में, फिर बोलो, ऑक्सीजन को ब्लड में पकड़ना होता, ऑक्सीजन को तो वो होता है हीमोग्लोबिन। यादव जी सीधे ध्यान दो, ऐसा का ऐसी कौन सी नाटक कर दिया हमने जो तुमको हंसी आ रही,
इधर देखो, अगर ऑक्सीजन को ब्लड में पकड़ना होता कहां पर? ब्लड में, तो कौन होता? लेकिन बेटा ऑक्सीजन को मसल में पकड़ना है, कहां पर? मसल। तो याद रखना, ऑक्सीजन को मसल में पकड़ने वाला भी एक पिगमेंट होता है, नाम है मायोग्लोबिन। फिर से बोलो, वहां पर क्या था? हीमो मतलब ब्लड और मायो मतलब मसल। बोलो मसल। तो जिन मसल फाइबर में मायोग्लोबिन ज्यादा, मायोग्लोबिन ज्यादा, उनमें ऑक्सीजन कम के ज्यादा? ज्यादा। और इसी वजह से वो फाइबर रेड दिखेंगे। क्या दिखेंगे? रेड। तो जिनमें मायोग्लोबिन ज्यादा उन फाइबर को बोलेंगे रेड फाइबर। बोलो फिर से, बोलो रेड फाइबर। और जिन बेटा मसल फाइबर में मायोग्लोबिन कम, मायोग्लोबिन कम, तो बताओ वो मसल फाइबर में ऑक्सीजन ज्यादा कि कम? और ऑक्सीजन कम तो वो पीले दिखेंगे या फिर वाइट दिखेंगे, एंड दीज फाइबर आर नोन एज वाइट फाइबर। फिर से बोलो, इसका मतलब है, पीपीजी ध्यान दो, इसका मतलब है कौन से फाइबर ऑक्सीजन की अबंडेंस में काम करते हैं और कौन है जो ऑक्सीजन की कमी में? वाइट फाइबर। और जब वाइट फाइबर काम करेंगे, कौन से फाइबर? तो बताओ एरोबिक रेस्पिरेशन की एनारोबिक, और एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो बनेगा लैक्टिक एसिड। फिर से बोलो, और लैक्टिक एसिड अगर जमा होने लगा तो मसल में होगा पेन, और इसी पेन को बोलते हैं थकान। बोलो क्या? थकान। तो बताओ ज्यादा कौन थकते हैं? वाइट फाइबर। और कौन नहीं थकते हैं? रेड फाइबर। तो जो मैराथन दौड़ते हैं कौन? उन्हें थकना नहीं, थकना नहीं है, तो उन्हें क्या चाहिए? रेड फाइबर। तो आप जितना ज्यादा दौड़ोगे बॉडी में कौन से फाइबर बढ़ेंगे? रेड फाइबर। लेकिन जो स्प्रिंट रेसर होते हैं, कैसे? जो 100 मीटर दौड़ते हैं, कितना? उनको बेटा बहुत तेजी से दौड़ना है, उनको ऑक्सीजन की इंतजार नहीं करना है कि ऑक्सीजन आएगी तो हम काम करेंगे। याद रखना, ऑक्सीजन आए चाहे ना आए, क्योंकि 9 सेकंड 10 सेकंड की रेस है, 9-10 सेकंड की रेस को जीत लो, उसके बाद चाहे दिन भर पैर दर्द करें, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए जितनी भी शॉर्ट रेसर होंगे, कौन से उनमें कौन से फाइबर? वाइट फाइबर। और जितने भी लॉन्ग रेसर होंगे, याद रहेगा, तो बताओ रेड फाइबर किन में ज्यादा? कौन एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे? रेड फाइबर। और कौन है जो एनारोबिक? और जब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा ग्लाइकोलिसिस होगी। क्या होगी? और ग्लाइकोलिसिस से क्या बनेगा? ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड। तो सुनो, और पाइरुविक एसिड से क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड बनेगा तो एरोबिक के एनारोबिक, एनारोबिक, तो लैक्टिक एसिड बनने के चांसेस ज्यादा कहां? वाइट फाइबर। और इसीलिए बोलते हैं कि जितने वाइट फाइबर होंगे इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होंगे। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करते हैं और इनपे ऑक्सीजन नहीं है। और बताओ इनमें माइटोकॉन्ड्रिया कम की ज्यादा? तो बताओ किन दो फाइबर, किन फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा? किन में मायोग्लोबिन ज्यादा? किन में ऑक्सीजन ज्यादा? कौन स्लो फाइबर? रेड फाइबर। मैराथन कैसे दौड़ता है? फास्ट कि स्लो? स्लो। कौन स्लो फाइबर? कौन फास्ट फाइबर? किन में लैक्टिक एसिड? किन में माइटोकॉन्ड्रिया कम? कौन स्प्रिंट रेसर? कौन मैराथन रेसर? तो कोई लंबी दूरी का धावक है उसमें क्या होगा? रेड फाइबर। क्रिकेट खिलाड़ियों में रेड फाइबर। पूरे दिन भर यार दौड़ना है रन लेने के लिए, बताओ कौन सा फाइबर? रेड फाइबर। लेकिन उसेन बोल्ट में क्योंकि उसको कौन सी रेस दौड़नी नया, और इसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अगर आप लंबी दूरी के खिलाड़ी हैं तो आप अलग तरीके से ट्रेनिंग लोगे, और अगर आप शॉर्ट दूरी के खिलाड़ी हैं तो आप अलग तरीके से ट्रेनिंग लोगे। और आपने अंदर क्या बढ़ाओगे? रेड फाइबर और वाइट फाइबर। और कुछ नॉन वेज खाने वाले होते हैं, कहते हैं बकरे का मांस, इट इज रेड फाइबर। यस, रेड मीट। बोलो क्या? रेड। चिकन की मटन? हाँ, मटन। मुर्गे का? चिकन। और बकरे का? मटन। तो किसमें रेड फाइबर ज्यादा? मटन। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय, बटवा दो।